दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक एम फेक्ट पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी भाषा की मच फेवरेट मूवी जिसका नाम है मेरे हस्बैंड की शादी तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पे भोजपुरी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस मूवीज़ की कहानी कैसी है और दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे दोस्तों अगर आप लोग भोजपुरी भाषा की फिल्म को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है मूवीज को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग जब भी कमेंट करते हो उसका जवाब मैं जरूर यहाँ पे देता हूँ और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दू की हमारे यूट्यूब चैनल एक आपको हिंदी मूवी के रिकॉर्डिंग ज्यादा आपको वीडियो मिलेगा रिव्यू का क्योंकि मैं यहाँ पे भोजपुरी मूवीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेनिंग नहीं करता हूँ लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सके तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पे तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निरहुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे और साथ ही साथ काजर राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डी आर जे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दें दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दें वह एक ही घर में दो बीबी यानी कि अमर परि दुबे और काजल राघवानी के बीच फंसकर जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दे इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अमृतपाली और काजर रघवानी की डिग्री में आपको बता दे काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दे कि माँ के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात यह है कि ये फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमा घरों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और काजल अग के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न आजम क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वहीं इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव की निरगुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको ज़बरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक है वो इस फिल्म को अभी से ही यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूट्यूब पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमर पाली के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यहाँ दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नजर आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर से यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को पहले देखिए ताकि आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगा इस फिल्म में अम्रपाली दुबे और काजल रागवानी लीड एक्टर्स के तौर पर काम करते हुए नज़र आ रही है शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिलने वाली है दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे थे मगर इस फिल्म में वह एक ही घर में दो बीबी और अम्रपाली दुबे और काजल रागवानी के बीच फंसकर सैंडविच बनाते हुए नजर आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजर रघवानी की टिक्री में काफी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है वही भी इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब यही कि मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारत तो वर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी पे और उनके अलावा जैमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोषी जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है, साथ दोस्तों आपको बता गौर करने वाली बात है कि प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी जयल यादव की निरहुआ और, और आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है और इस फिल्म के निर्माता जयंत घोषी है जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया है बता दें कि गोवर्धन मेरे हस्बैंड की शादी ये फिल्म निरहुआ के साथ इन्होंने बनाई है और इनके सहित जो है कई जो है बड़े फिल्मों के निर्माण भी करके परवीन कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और वह हमेशा बड़ी और पारिवारिक फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं जिसे संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म के संगीतकार ओम झा गीतकार प्यारेलाल यादव और कवि अरविंद तिवारी जी विनय निर्मल द्वारा बनाया गया है फिल्म <खेगा> <लिखा> की पदकथा मंजूर ठाकुर और फिर जो है अरविंद तिवारी का है कथानक <खेगा> के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कथा और शनमार जो है अरविंद तिवारी ने लिखा है फिल्म का छंकन के बारे में हम बात करें तो छंकन सरफराज खान और फिर जो संकलन जो है संतोष हरावड और उनके अलावा मारधार श्री श्रेष्ठ नृत्य कानू जी ने संभाला है कला के बारे में हम बात करें तो, तो कला महेंद्र पार्श्व संगीत और उनके अलावा असलम जो है सूर्दी का है पोस्ट प्रोडक्शन के काम के बारे में हम बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य ऑडियो तो लेब और उनका बी एफ जो है सोनू मदेशिया ने तैयार किया है और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल अरविंद यादव और फिर प्रचारक पे रामचंद्र यादव जी का है इस फिल्म में कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपली दुबे और फिर गाजा रखवाली संजय पांडे किरण यादव और फिर उनके अलावा भानु पांडे प्रेम दुबे और रंभा सहानी आदि इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाली है तो दोस्तों ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक डायलॉग से देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार में नज़र आ रहे हैं उनके अलावा अमरपाली दुबे और काजा रघवानी का इसमें तिरका देखने को मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमरपाली दुबे और काजा रघवानी एक साथ अभिनय करते हुए एक ही फिल्म के अंदर नजर आने वाले हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म की कहानी बेहतरीन होगी जिससे जिसके लिए फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इनका कोई फिल्म रिलीज हो ताकि यूट्यूब पर लोग देखें लेकिन यूट्यूब पर आने से पहले ये फिल्म आपको सीधे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता बताया सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ही इस फिल्म को टी चैनलों पर रिलीज किया जाएगा और टी चैनल के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी दिनेशलाल यादव निरहुआ और अमरबाली दुबे की मानी जाती है सबसे बेहतरीन जोड़ी में से एक जिन्हें हर फिल्म में ऑडियंस एक साथ देखना चाहती है और ये और यही वजह है कि उनकी जोड़ी जब भी जो है दर्शकों के बीच आती है तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है दोनों को निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी देसी लुक में काफी पसंद की जाती है और वही फिल्मों में उनके बीच घटते तमाम जो है नाटकीय और इसकेलावा घटना घटनाक्रम से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट भी होता है ऐसे में दिनेश यादव निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी में बनी मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर अभी चल रहा है जिसे फैंस यूट्यूब पर बहुत जल्द फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन ये फिल्म आपको यूरोप पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय के बाद ये फिल्म यूरोप पर रिलीज होगा लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमाघरों में छठ पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा उसके बाद ये फिल्म टीवी चैनलों पर प्रीमियर होगा और उसके बाद एंडिंग में जाकर इस फिल्म को यूरोप पे रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती है हर एक मूवीज़ के साथ क्योंकि जो भी नई फिल्म आती है उसको पहले जो है यूटूब पर नहीं रखा जाता है कुछ समय लगते हैं कुछ समय बिताने पड़ते हैं तभी जाकर कर यूट्यूब पर फिल्म को अपलोड किया जाता है तो ये है रियली भोजपुरी फिल्मों का यूटूब पर आना तो जो भी लोग यूटूब पर फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी इसके लिए आप लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों एक और फिल्म की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म देवराज जेठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का कहना है प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में और इसकी स्टोरी एस के चौहान इसके स्टोरी एस के चौहान ने अपने राइटिंग में लिखा है जिन्होंने कई जो है ट्विस्ट क्रिएट किए हैं इस फिल्म के अंदर वही दोस्तों फिल्म देवराज जेठानी टू का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इसमें अंजना सिंह और संचिता बनर्जी को एक दूसरे से

पार्ट को अजय कुमार झा ने डायरेक्ट किया था वहीं फिल्म को प्रदीप सिंह के साथ अपर हुआ मेडिटिया उनके अलावा मोनिका सिंह और फिर जो है प्रतीक सिंह ने प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म में आपको बता दें मेकर के फिल्म में मेकर के मुताबिक ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया हुआ है मेकर के मुताबिक जैसे ही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को पूरा आनंद आएगा फिल्म को देखने में और इसके फैमिली के सभी जो है इसके और इसको फैमिली के सभी जो है पे मेंबर एक साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी अश्लीलता सीन देखने को नहीं मिलने वाली है वही फिल्म देवरान जीठी टू को लेकर प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म की स्टोरी एस के चौहान ने लिखा है जिन्होंने कई ट्विस्ट क्रिएट किए हैं स्टोरी में और ये फिल्म के पहले पार्ट से काफी अलग होगा और अलग अंदाज में पेश की जाएगी इस मूवी के अंदर कहानी और फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तरक़ा देखने को मिलने वाला है इसी के साथ बता दें वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के बैनर की तलेब बनी इस फिल्म में मुन्ना दुबे ने संगीत दिया है वहीं गीत प्यारे लाल यादव द्वारा तैयार किया है कॉफी मुन्ना दुबे और जो है शेख और ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने को सीनेटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो मनोज सिंह की है और कोरियोग्राफी कानूब मुखर्जी जी ने इस फिल्म के लिए तैयार किया है इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है यश कुमार इस होंगी इनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों में बेहद पसंद किया जाता है वो यहां बता सुजीत वर्मा निर्देशित की गई इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल दोस्तों सामने नहीं आई हुई है भोजपुरी स्क्रीन में आपको बता दें भोजपुरी स्क्रीन के यहाँ पे यूनिक एक्शन स्टार यश कुमार जल्द ही भोजपुरी फिल्म में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ है और इसमें यश कुमार के सा, कुमार साउथ जैसे ही लुक में नजर आने वाले हैं जो कि यश कुमार एंटरटेनमेंट और फिर जो हिंदी थी मिश्रा निर्मित की गई फिल्म जो क्रुक् क्षेत्र के निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है फिल्म में बता दें नाम के अनुसार ही एक कंप्लीट एक्शन का जोर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म कुरुपक्षेत्र को लेकर यश कुमार ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक बेहद आकर्षक होने वाला है जो कि फिल्म इससे भी मजेदार होगा और रोमांचक वाली कहानी होगी वही आपको बता दें अधर्म के खिलाफ जिस तरह से धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह जीवन के इस कुरूपेत्र की ये कहानी है और फिल्म फिल, और फिर फिल्म की कहानी के बारे में अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ये फिल्म दर्शकों का हर मायने में मनोरंजन करेगी फिल्म के डायरेक्टर ने बताया फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है और उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें बेहद जो है मजा आने वाली है फिल्म को देखते समय फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात कर लेते हैं सुजीत वर्मा ने भी फिल्म को लेकर अपना जो उत्साह दिखाया है और कहा कि यश कुमार की खूबसूरत फिल्मों की श्रृंखला में ये एक और फिल्म है और ये फिल्म समाज और परिवार के बीच की कहानी को दर्शाने वाली है और फिल्म के गाने और संवाद दर्शकों के दिलों को छूने वाली है और हमारी फिल्म की सभी कास्ट इसको लेकर यहाँ पे अशांति बनाए हुए कि दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद खूब इसमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के हीरो यश कुमार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्म को क्योंकि दोस्तों फिल्म को यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है जो कि इस फिल्म में यश कुमार और रक्षा गुप्ता के साथ प्राची सिंह और सोनल त्रिवेदी उनके अलावा सृष्टि मिश्रा और फिर सुशील सिंह देव सिंह उनके अलावा रेंश सिन्हा फिल्म में दिखाई देंगे कोई भी बता दे सुमोद सेठ उनके अलावा बलेश्वर सिंह और राधे मिश्रा उनके अलावा धनंजय सिंह भी दिखाई देंगे जो कि बिलास से उनके अलावा योग्याता पांडे और फिर यादरेंद्र फिल्म के अंदर दर या यहा यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं फिल्म के लेखक राकेश त्रिपाठी जी का है गीतकार धर्म हिंदुस्तानी जी जी और शेखर का है संगीत के बारे में हम बात कर तो मिश्रा का है जो है जो जहांगीर सैयद का देखने को मिलेगा वहीं पे एक्स रसन के बारे में हम बात करें तो एक्शन सुपरदीप खड़का जी का है क्योंकि कोरियोग्राफर परवीन सेलार और दिलीप मिश्र जी का है क्यूँकी कार्यकार निर्माता सुरेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है तो दोस्तों ये थी इस मूवीज़ की और रिपोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया यश कुमार की एक और लेटेस्ट फिल्म का नाम जो है कुरुक्षेत्रा होने वाला है इसमें आपको बेहतरीन कहानी और साथ ही साथ दोस्तों ज़बरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि यश ही फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया जा रहा है खुद इन्होंने ही फिल्म को प्रोड्यूस किया यश कुमार ने ही और ख़ुद एक्टिंग भी इस फिल्म के अंदर किया है तो दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यश कुमार ने कुछ बड़ा सोच के रखा है क्योंकि इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया है तो इनको पता होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई कर सकता है भोजपुरी के सिनेमा घरों के अंदर तो दोस्तों भोजपुरी दर्शक जितने भी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और निरहुआ की फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फिल्म छठ के मौके पर रिलीज होगी और दोस्तों यही खबर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दे सकता हूँ मैं भी आप लोग को इस मूवीज़ को यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ और वैसे भी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो कुछ समय इंतज़ार करना होगा ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में आएगी उसके बाद ही आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको बेहद ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलेगा असली तरह से कोशुद और फिल्म को बनाया गया है अमरपाली दुबे और काजर रागवानी एक साथ पहली बार इस फिल्म में दिखाई दे रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ी और साथ ही साथ निरवा का तरगा इसमें देखने को मिलेगा तो फिल्म फिल्म भी एक बेहतरीन कहानी को लेकर आएगी तो दर्शक अगर आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सकें तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पे तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निरहुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे और साथ ही साथ काजर राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है डी आर जे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दे लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दे वह एक ही घर में दो बीबी यानी कि अमर परि दुबे और काजल राघवानी के बीच फंसकर जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दें इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल राघवानी की टिग्री में आपको बता दे काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दें कि मां के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात है यह है कि ये फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमाग्रहों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेशनल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और काजल अगवा के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वही इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव की निरहुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक हैं वो इस फिल्म को अभी से ही यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूरोप पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमर पाले के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यह दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नजर आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डी आरचे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को पहले देखिए ताकि आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगा इस फिल्म में अम्रपाली दुबे और काजल रागवानी लीड एक्टर्स के तौर पर काम करते हुए नजर आ रही है शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिलने वाली है दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे थे मगर इस फिल्म में वह एक ही घर में दो बीबी और अम्रपाली दुबे और काजल रखवानी के बीच फंसकर सैंडविच बनाते हुए नज़र आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल रखवानी की टिकरी में काफ़ी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है वह भी इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब यही कि मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी यहाँ पे प्रांसुल और उनके अलावा जयमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोषिया जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे गौरतलब करने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी जैसल यादव की निरहुआ और अमरपालित दुबे और काजर रखवानी के से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है और इस फिल्म के निर्माता जयंत घोषी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया है बता दें कि गोवर्धन मेरे हस्बैंड की शादी ये फिल्म निरहुआ के साथ इन्होंने बनाई है और इनके सहित जो एक कई जो है बड़े फिल्मों के निर्माण भी करके प्रवीण कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योग्य दे रहे हैं और वह हमेशा बड़ी और पारिवारिक फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं जिसे संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म के संगीतकार ओम झा गीतकार प्यारेलाल यादव और कवि अरविंद तिवारी जी विनय निर्मल द्वारा बनाया गया है फिल्म की पदकथा मंजूर ठाकुर और फिर जो है अरविंद तिवारी का है कथानक के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कथा और सन्मार जो है अरविंद तिवारी ने लिखा है फिल्म का छंकन के बारे में हम बात करें तो छन सरफराज खान और फिर जो है संकलन जो है संतोष हरावड और उनके अलावा धारसरी श्रेष्ठ नृत्य कानू जी ने संभाला है कला के बारे में हम बात करें तो कला महेंद्र पार्श्व संगीत और उनके अलावा असलम जो सूर्दी का है पोस्ट प्रोडक्शन के तो काम के बारे में हम बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य ऑडियो लेब और उनके बी एफ जो है सोनू मदेशिया ने तैयार किया है और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल अरविंद यादव और फिर जो है फिल्म जो है प्रचारक यहाँ पे रामचंद्र यादव जी का है इस फिल्म में कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और फिर काजा रघवाली संजय पांडे किरण यादव और फिर उनके अलावा भानु पांडे प्रेम दुबे और रंभा सहानी आदि इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाली है तो दोस्तों ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक के डायलॉग से देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार में निरुआ नजर आ रहे हैं उनके अलावा अम्रपाली दुबे और काजा रघवाली का इसमें तिरका देखने को मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमरपाली दुबे और काजर रघवानी एक साथ अभिनय करते हुए एक ही फिल्म के अंदर नज़र आने वाले हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होगी जिससे जिसके लिए फैंस एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि इनका कोई फिल्म रिलीज हो ताकि यूट्यूब पर लोग देखें लेकिन यूट्यूब पर आने से पहले ये फिल्म आपको सीधे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको बताया सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ही इस फिल्म को टीवी चैनलों पर रिलीज किया जाएगा और टीवी चैनल के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी सिनेमा दो की सुपरहिट जोड़ी दिनेशलाल यादव निरहुआ और अमरबाली दुबे की मानी जाती है सबसे बेहतरीन जोड़ी में से एक जिन्हें हर फिल्म में ऑडियंस एक साथ देखना चाहती है और ये और यही वजह है कि उनकी जोड़ी जब भी जो है दर्शकों के बीच आती है तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है दोनों को निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी देसी लुक में काफी पसंद की जाती है और वही फिल्मों में उनके बीच घटते तमाम जो है नाटकीय और इसकेलावा घटना घटनाक्रम से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट भी होता है ऐसे में दिनेशलाल यादव निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी में बनी मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर अभी चल रहा है जिसे फैंस यूट्यूब पर बहुत जल्द फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन ये फिल्म आपको यूरोप पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय के बाद ही ये फिल्म यूरोप पर रिलीज होगा लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमाघरों में छठ पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा उसके बाद ये फिल्म टीवी चैनलों पे प्रीमियर होगा और उसके बाद एंडिंग में जाकर इस फिल्म को यूरोप पे रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती है हर एक मूवीज़ के साथ क्योंकि जो भी नई फिल्म आती है उसको पहले जो है यूट्यूब पर नहीं रखा जाता है कुछ समय लगते हैं कुछ समय बिताने पड़ते हैं तभी जाकर यूट्यूब पर फिल्म को अपलोड किया जाता है तो यह है रियालिटी भोजपुरी फिल्मों का यूट्यूब पर आना तो जो भी लोग यूट्यूब पर फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी इसके लिए आप लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों एक और फिल्म की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म देवरान जयठू को लेकर प्रदीप सिंह का कहना है प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में और इसकी स्टोरी इसके चौहान एस के स्कोरी एस के चौहान ने अपने राइटिंग में लिखा है जिन्होंने कई जो है ट्विस्ट क्रिएट किए हैं इस फिल्म के अंदर वही दोस्तों फिल्म देवराज जेठानी टू का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इसमें अंजना सिंह और संचिता बनर्जी को एक दूसरे से उलझते हुए दिखाया गया है अंजना सिंह और संचिता बनर्जी जो है एक दूसरे उलझती हुई नजर आ रही है वहीं दोनों के पति गौरव झा और देव सिंह एक दूसरे को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं देवराज जेठानी का पहला पार्ट दर्शकों ने बेहद पसंद किया था फिल्म को मिली बम्पर सक्सेस के बाद मेकर प्रदीप सिंह ने फिल्म का सीक्वल का ऐलान कर दिया था उसी वक्त वहीं अब देवरान जिठानी भी जल्द ही रिलीज होने जा रही है और आपको बता दें इसके पहले पार्ट को अजय कुमार जहाँ ने डायरेक्ट किया था वहीं फिल्म को प्रदीप सिंह के साथ अपर हुआ मेडेटिया उनके अलावा मोनिका सिंह और फिर जो है प्रतीक सिंह ने प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म में आपको बता दें मेकर के फिल्म में मेकर के मुताबिक ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया हुआ है मेकर के मुताबिक जैसे ही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को पूरा आनंद आएगा फिल्म को देखने में और इसके फैमिली के सभी जो है इसके और इसको फैमिली के सभी जो है पे मेम्बर एक साथ बैठ देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी अश्लीलता सीन देखने को नहीं मिलने वाली है वही फिल्म देवरान जेठनी टू को लेकर प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म की स्टोरी एस के चौहान ने लिखा है जिन्होंने कई ट्विस्ट क्रिएट किए हैं स्टोरी में और ये फिल्म के पहले पार्ट से काफी अलग होगा और अलग अंदाज में पेश की जाएगी इस मूवी के अंदर कहानी और फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तड़का देखने को मिलने वाला है इसी के साथ बता दें वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के बैनर की तलेब बनी इस फिल्म में मुन्ना दुबे ने संगीत दिया है वही गीत प्यारेलाल यादव द्वारा तैयार किया है और फिर मुन्ना दुबे और जो है शेखर मधुर ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने को सिनेटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो मनोज सिंह की है और कोरियोग्राफी कारूब मुखर्जी जी ने इस फिल्म के लिए तैयार किया है इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है यश कुमार स्टारर इस, इस फिल्म में एक बार फिर से जो है रक्षा गुप्ता उनके अलावा कई सारे स्टारकास्ट लेड रोल में नजर आने वाले हैं लेकिन खास तौर पर रक्षा गुप्ता लेड रोल में होंगी इनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों में बेहद पसंद किया जाता है वही आपको बता सुजीत वर्मा निर्देशित की गई इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल दोस्तों सामने नहीं आई हुई है भोजपुरी स्क्रीन में आपको बता भोजपुरी स्क्रीन के यहाँ पे यूनिक एक्शन स्टार यश कुमार जल्द ही भोजपुरी फिल्म यहाँ पिकूप क्षेत्र में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ है और इसमें यश कुमार के यश कुमार साउथ जो फिल्मों के हीरो जैसे ही लुक में नजर आने वाले हैं जो कि यश कुमार एंटरटेनमेंट और फिर जो निधि मिश्रा निर्मित की गई फिल्म जो कुरुक्षेत्र के निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है फिल्म में बता दें नाम के अनुसार ही एक कॉम्प्लीट एक्शन का जोर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म कुरुक्षेत्र को लेकर यश कुमार ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक बेहद आकर्षक होने वाला है जो कि फिल्म इससे भी मजेदार होगा और रोमांचक वाली कहानी होगी वही आपको बता दे अधर्म के खिलाफ जिस तरह से धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह जीवन के इस की ये कहानी है और, फिल, फिल, और फिल फिल्म और फिर की कहानी के बारे में अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ये फिल्म दर्शकों का हर मायने में मनोरंजन करेगी फिल्म के डायरेक्टर ने बताया फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है और उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें बेहद जो है मज़ा आने वाली है फिल्म को देखते समय फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो सुजीत वर्मा ने भी फिल्म को लेकर अपना जो उत्साह दिखाया है और कहा कि यश कुमार की खूबसूरत फिल्मों की श्रृंखला में ये एक और फिल्म है और ये फिल्म समाज और परिवार के बीच की कहानी को दर्शाने वाली है और फिल्म के गाने और संवाद दर्शकों के दिलों को छूने वाली है और हमारी फिल्म की सभी कास्ट इसको लेकर यहाँ पे अशांति बनाए हुए की दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद खूब इसमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के हीरो यश कुमार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्म फिल्म को को क्योंकि दोस्तों यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है जो कि इस फिल्म में यश कुमार और रक्षा गुप्ता के साथ प्राची सिंह और सोनल त्रिवेदी उनके अलावा सृष्टि मिश्रा और फिर सुशील सिंह देव सिंह उनके अलावा रिया सिन्हा फिल्म में दिखाई देंगे कोई भी बता दे सुमोद सेठ उनके अलावा बलेश्वर सिंह और राधे मिश्रा उनके अलावा धनंजय सिंह भी दिखाई देंगे जो कि बिलास से उनके अलावा योग्याता पांडे और फिर यादरेंद्र फिल्म के अंदर यादरेंद्र यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं फिल्म के लेखक राकेश त्रिपाठी जी का है गीतकार धर्म हिंदुस्तानी जी और शेखर मधोर जी का है संगीत के बारे में हम बात करें तो साधन मिश्रा का है जो है जहांगीर सैयद का देखने को मिलेगा वहीं पे एक्स के बारे में हम बात करें तो एक्शन से प्रदीप खड़का जी का है क्योंकि कोरियोग्राफर परवीन सेलार और दिलीप मिश्र है क्योंकि कार्यकार निर्माता सुरेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है तो दोस्तों ये थी इस मूवीज की और रिपोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया यश कुमार की एक और लेटेस्ट फिल्म का नाम जो है कुरुप छेत्रा होने वाला है इसमें आपको बेहतरीन कहानी और साथ ही साथ दोस्तों जबरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि यश ही फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया जा रहा है खुद इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया यश कुमार ने ही और खुद एक्टिंग भी इस फिल्म के अंदर किया है तो दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यश कुमार ने कुछ बड़ा सोच के रखा है क्योंकि इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया है तो इनको पता होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई कर सकता है भोजपुरी के सिनेमा घरों के अंदर तो दोस्तों भोजपुरी दर्शक जितने भी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और निरहुआ की फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फिल्म छठ के मौके पर रिलीज होगी और दोस्तों यही खबर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दे सकता हूँ मैं भी आप लोग को इस मूवीज़ को यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ और वैसे भी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो कुछ समय इंतज़ार करना होगा ये फिल्म पहले सिनेमा घरों में आएगी उसके बाद ही आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको बेहद ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलेगा असली तज कोसुद फिल्म को बनाया गया है अमरपाली दुबे और काजर रागवानी एक साथ पहली बार इस फिल्म में दिखाई दे रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ी और साथ ही साथ निरगुआ का तड़का इसमें देखने को मिलेगा तो फिल्म फिल्म भी एक बेहतरीन कहानी को लेकर आएगी तो दर्शक अगर आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सके तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पर तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निरहुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और साथ ही साथ काजल राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है ट्रेलर डी आर जे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दें दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दे वह एक ही घर में दो बीवी यानी कि अम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच फंसकर जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दे इतना मजेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल राघवानी की टिग्री में आपको बता दे काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दें कि माँ के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में फिल्म में फिल्म अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात है यह है कि ये फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमा घरों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी दिनेश लाल यादव निरउआ और अम्रपाली दुबे और काजर रखवानी के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वहीं इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव की निरुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक है वो इस फिल्म को अभी से ही यूरोप पर देखने के लिए बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूरोप पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमरपाली के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यह दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नजर आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डीआरचरी को यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को पहले देखिए ताकि आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगा इस फिल्म में अम्रपली दुबे और काजल रागवानी लीड एक्टर्स के तौर पर काम करते हुए नजर आ रही है शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिलने वाली है दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीवी के चक्कर में फंसते हुए नज़र आ रहे थे मगर इस फिल्म में वह एक ही घर में दो बीबी और अम्रपाली दुबे और काजर रगवानी के बीच फंस सैंडविच बनाते हुए नज़र आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजर रगवानी की टिक्री में काफ़ी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है वह भी इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब यही कि मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी यहाँ पे प्रांसुल और उनके अलावा जैमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोषिया जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें गौरतलब करने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी जिसल यादव की निरहुआ और अमृत दुबे और काजल के 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 अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश आजमगढ़ विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है और इस फिल्म के निर्माता जयंत घोषी जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया है बता दें कि गोवर्धन मेरे हसबैंड की शादी ये फिल्म निरहुआ के साथ इन्होंने बनाई है और इनके सहित जो कई जो है बड़े फिल्मों के निर्माण भी करके परवीन कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और वह हमेशा बड़ी और पारिवारिक फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं जिसे संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म के संगीतकार ओम झा गीतकार प्यारेलाल यादव और कवि अरविंद तिवारी जी विनय निर्मल द्वारा बनाया गया है फिल्म की पदकथा मंजूर ठाकुर और फिर जो है अरविंद तिवारी का है कथानक के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कथा और शनवा जो है अरविंद तिवारी ने लिखा है फिल्म का छैंकन के बारे में हम बात करें तो छैंकन सरफराज खान और फिर जो संकलन जो है संतोष हरावड और उनके अलावा मारधार श्री श्रेष्ठ नृत्य कानू जी ने संभाला है कला के बारे में हम बात करें तो कला महेंद्रा पार्श्व संगीत और उनके अलावा असलम जो है सूर्दी का है पोस्ट प्रोडक्शन के काम के बारे में हम बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य ऑडियो लेब और उनके अलावा बी जो है सोनू मदेसिया ने तैयार किया है और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल अरविंद यादव और फिर जो है फिल्म जो है प्रचारक यहाँ पे रामचंद्र यादव जी का है इस फिल्म में कलाकार लाल यादव निरहुआ और अम्रपली दुबे और फिर गाजर रखवाली संजय पांडे किरण यादव और फिर उनके अलावा भानु पांडे प्रेम दुबे और रंभा सहानी आदि इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाली है तो दोस्तों ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक के डायलॉग से देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार में निरुआ नज़र आ रहे हैं उनके अलावा अमरपाली दुबे और काजा रघवानी का इसमें तिरका देखने को मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमरपाली दुबे और काजा रघवानी एक साथ अभिनय करते हुए एक ही फिल्म के अंदर नजर आने वाले हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होगी जिससे जिसके लिए फ़ैन्स एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि इनका कोई फिल्म रिलीज़ हो ताकि यूट्यूब पर लोग देखें लेकिन यूट्यूब पर आने से पहले ये फिल्म आपको सीधे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता बताया सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद ही इस फिल्म को टीवी वी चैनलों पर रिलीज़ किया जाएगा और टी चैनल के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी दिनेशलाल यादव निरहुआ और अमरबाली दुबे की मानी जाती है सबसे बेहतरीन जोड़ी में से एक जिन्हें हर फिल्म में ऑडियंस एक साथ देखना चाहती है और ये और यही वजह है कि उनकी जोड़ी जब भी जो है दर्शकों के बीच आती है तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है दोनों को निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी देसी लुक में काफी पसंद की जाती है और वही फिल्मों में उनके बीच घटते तमाम जो है नाटकीय और इस खिलाटना घटनाक्रम से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट भी होता है ऐसे में दिनेश यादव निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी में बनी मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर अभी चल रहा है जिसे फैंस यूट्यूब पर बहुत जल्द फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन ये फिल्म आपको यूरोप पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय के बाद ही ये फिल्म यूरोप पर रिलीज होगा लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमाघरों में छठ पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा उसके बाद ये फिल्म टीवी चैनलों पर प्रीमियर होगा और उसके बाद एंडिंग में जाकर इस फिल्म को यूरोप पे रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती है हर एक मूवीज़ के साथ क्योंकि जो भी नई फिल्म आती है उसको पहले जो है यूटूब पर नहीं रखा जाता है कुछ समय लगते हैं कुछ समय बिताने पड़ते हैं तभी जाकर कर यूट्यूब पर फिल्म को अपलोड किया जाता है तो ये रियलाइटी भोजपुरी फिल्मों का यूरोप पर आना तो जो भी लोग यूट्यूब पर फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी इसके लिए आप लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों एक और फिल्म की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म देवराज जेठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का कहना है प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में और इसकी स्टोरी एस के चौहान इसके स्कोरी एस के चौहान ने अपने राइटिंग में लिखा है जिन्होंने कई जो है ट्विस्ट क्रिएट किए हैं इस फिल्म के अंदर वही दोस्तों फिल्म देवराइज जेठानी टू का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इसमें अंजना सिंह और संचिता बनर्जी को एक दूसरे से उलझते हुए दिखाया गया है अंजना सिंह और संचिता बनर्जी जो एक दूसरे उलझती हुई नजर आ रही है वही के मिली बम्पर सक्सेस के बाद मेकर प्रदीप सिंह ने फिल्म का सीक्वल का ऐलान कर दिया था उसी वक्त वही अब देवराज जेठानी भी जल्द ही रिलीज होने जा रही है और आपको बता दें इसके पहले पार्ट को अजय कुमार झा ने डायरेक्ट किया था वही फिल्म को प्रदीप सिंह के साथ अपर हुआ मेरेटिया उनके अलावा मोनिका सिंह और फिर जो है प्रतीक सिंह ने प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म में आपको बता दें मेकर के फिल्म में मेकर के मुताबिक ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया हुआ है मेकर के मुताबिक जैसे ही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को पूरा आनंद आएगा फिल्म को देखने में और इसके फैमिली के सभी जो है इसके और इसको फैमिली के सभी जो है पे मेंबर एक साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी अश्लीलता सीन देखने को नहीं मिलने वाली है वही फिल्म देवरान जेठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म की स्टोरी एस के चौहान ने लिखा है जिन्होंने कई ट्विस्ट क्रिएट किए हैं स्टोरी में और ये फिल्म के पहले पार्ट से काफी अलग होगा और अलग अंदाज में पेश की जाएगी इस मूवी के अंदर कहानी और फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तरक़ा देखने को मिलने वाला है इसी के साथ बता दें वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के बैनर की तले बनी इस फिल्म में मुन्ना दुबे ने संगीत दिया है वहीं गीत प्यारे लाल यादव द्वारा तैयार किया है और फिर मुन्ना दुबे और जो है शेखर मदोर ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने को सीनेटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो मनोज सिंह की है और कोरियोग्राफी कानूब मुखर्जी जी ने इस फिल्म के लिए तैयार किया है इसी साथ दोस्तों भोजपुरी की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है यश कुमार स्टारर इस, इस फिल्म में, में, तो में होंगी इनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों में बेहद पसंद किया जाता है वो को बता सुजीत वर्मा निर्देशित की गई इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल दोस्तों सामने नहीं आई हुई है भोजपुरी स्क्रीन में आपको बता दें भोजपुरी स्क्रीन के यहाँ पे यूनिक एक्शन स्टार यश कुमार जल्द ही भोजपुरी फिल्म में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ है और इसमें यश कुमार के सा, कुमार साउथ फिल्मों के हीरो जैसे ही लुक में नजर आने वाले हैं जो कि यश कुमार एंटरटेनमेंट और फिर जो हिंदी थी मिश्रा निर्मित की गई फिल्म जो क्रुक् क्षेत्र के निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है फिल्म में बता दें नाम के अनुसार ही एक कंप्लीट एक्शन का जोर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म कुरुक्षेत्र को लेकर यश कुमार ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक बेहद आकर्षक होने वाला है जो कि फिल्म इससे भी मजेदार होगा और रोमांचक वाली कहानी होगी वही आपको बता दें अधर्म के खिलाफ जिस तरह से धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह जीवन के इस कुरुक्षेत्र की ये कहानी है और फिल्म फिल, और फिर फिल्म की कहानी के बारे में अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ये फिल्म दर्शकों का हर मायने में मनोरंजन करेगी फिल्म के डायरेक्टर ने बताया फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है और उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें बेहद जो है मज़ा आने वाली है फिल्म को देखते समय फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो सुजीत वर्मा ने भी फिल्म को लेकर अपना जो उत्साह दिखाया है और कहा कि यश कुमार की खूबसूरत फिल्मों की श्रृंखला में ये एक और फिल्म है और ये फिल्म समाज और परिवार के बीच की कहानी को दर्शाने वाली है और फिल्म के गाने और संवाद दर्शकों के दिलों को छूने वाली है और हमारी फिल्म की सभी कास्टें इसको लेकर यहाँ पे अशांति बनाए हुए कि दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद खूब इसमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के हीरो यश कुमार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्म को क्योंकि दोस्तों फिल्म को यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है जो कि इस फिल्म में यश कुमार और रक्षा गुप्ता के साथ प्राची सिंह और सोनल त्रिवेदी उनके अलावा सृष्टि मिश्रा और फिर सुशील सिंह देव सिंह उनके अलावा रेंश सिन्हा फिल्म में दिखाई देंगे कोई भी बता दे सुमोद सेठ उनके अलावा बलेश्वर सिंह और राधे मिश्रा उनके अलावा धनंजय सिंह भी दिखाई देंगे जो की बिलास उनके अलावा योग्याता पांडे और फिर यादरेंद्र फिल्म के अंदर या यह या याद्र यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं फिल्म के लेखक राकेश त्रिपाठी जी का है गीतकार धर्म हिंदुस्तानी जी जी और शेखर का है संगीत के बारे में हम बात तो मिश्रा का है जो है जो जहांगीर सैयद का देखने को मिलेगा वहीं पे एक्स रशन के बारे में हम बात करें तो एक्शन प्रदीप खड़का जी का है क्योंकि कोरियोग्राफर परवीन सलार और दिलीप मिश्र जी का है क्योंकि कार्यकार निर्माता श्रंदर सिंह जी ने किया हुआ है तो दोस्तों ये थी इस मूवीज़ की और रिपोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दी आप यश कुमार की एक और लेटेस्ट फिल्म का नाम जो है क्रूक्षेत्रा होने वाला है इसमें आपको बेहतरीन कहानी और साथ ही साथ दोस्तों जबरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि यशी फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया जा रहा है खुद इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया यश कुमार ने ही और खुद एक्टिंग भी इस फिल्म के अंदर किया है तो दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यश कुमार ने कुछ बड़ा सोच कर रखा है क्योंकि इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया है तो इनको पता होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई कर सकता है भोजपुरी की सिनेमा घरों के अंदर तो दोस्तों भोजपुरी दर्शक जितने भी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और निरहुआ की फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फिल्म छठ के मौके पर रिलीज होगी और दोस्तों यही खबर इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ दे सकता हूँ मैं भी आप लोग को इस मूवीज़ को यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ और वैसे भी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो कुछ समय इंतज़ार करना होगा ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में आएगी उसके बाद ही आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको बेहद ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलेगा असली से कोसुद और फिल्म को बनाया गया है अमरपाली दुबे और काजर रागवानी एक साथ पहली बार इस फिल्म में दिखाई दे रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ी और साथ ही साथ निरहुआ का तरगा इसमें देखने को मिलेगा तो फिल्म फिल्म भी एक बेहतरीन कहानी को लेकर आएगी तो दर्शक अगर आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सके तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पे तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निरहुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे और साथ ही साथ काजर राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डी आर जे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दे दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दे वह एक ही घर में दो बीबी यानी की अम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच फंसकर जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दें इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल राघवानी की टिग्री में आपको बता दे काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दें कि माँ के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात है यह है कि ये फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमा घरों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी नरसलाल यादव निरहुआ और अम्रपली दुबे और काजल रख के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वहीं इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव की निरगुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक है वो इस फिल्म को अभी से ही यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूरोप पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमर पालिक के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यहाँ दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नजर आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डी आरची रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को पहले देखिए ताकि आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगा इस फिल्म में अमरपाली दुबे और काजल राघवानी लीड एक्टर्स के तौर पे काम करते हुए नजर आ रही है शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिलने वाली है दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे थे मगर इस फिल्म में वह एक ही घर में दो बीवी और अम्रपाली दुबे और काजल रगवानी के बीच फंस कर सैंडविच बनाते हुए नज़र आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल रघवानी की टिकरी में काफ़ी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है वह भी इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब यही कि मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी यहाँ पे प्रांसुल और उनके अलावा जैमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोष गोसिया जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें गौरतलब करने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी जिसल यादव की निरहुआ और अमर दुबे और काजल रकवानी के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है और इस फिल्म के निर्माता जयंत घोषे हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया है बता दें कि गोवर्धन मेरे हस्बैंड की शादी ये फिल्म निरहुआ के साथ इन्होंने बनाई है और इनके सहित जो कई जो है बड़े फिल्मों के निर्माण भी करके प्रवीण कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और वह हमेशा बड़ी और पारिवारिक फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं जिसे संपूर्ण ने परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म के संगीतकार ओम झा गीतकार प्यारेलाल यादव और कवि अरविंद तिवारी जी विनय निर्मल द्वारा बनाया गया है फिल्म की पटकथा मंजूर ठाकुर और फिर जो है अरविंद तिवारी का है कथानक के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कथा और सन्मार जो है अरविंद तिवारी ने लिखा है फिल्म का छंकन के बारे में हम बात करें तो छन सरफराज खान और फिर जो है संकलन जो है संतोष हरावड और उनके अलावा मारधार श्रेष्ठ नृत्य कानू जी ने संभाला है कला के बारे में हम बात करें तो कला महेंद्र पार्श्व संगीत और उनके अलावा असलम जो सूर्दी का है पोस्ट प्रोडक्शन के काम के बारे में हम बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य ऑडियो लेब और उनके बी एफ जो है सोनू मदेसिया ने तैयार किया है और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल अरविंद यादव और फिर जो है फिल्म जो है प्रचारक यहाँ पे रामचंद्र यादव जी का है इस फिल्म में कलाकार लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और फिर काजा रघवाली संजय पांडे किरण यादव और फिर उनके अलावा भानु पांडे प्रेम दुबे और रंभा सहानी आदि इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाली है तो दोस्तों ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक के डायलॉग्स देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार में निरुआ नजर आ रहे हैं उनके अलावा अम्रपाली दुबे और काजा रघवानी का इसमें तिरका देखने को मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमर पाली दुबे और काजर रघवानी एक साथ अभिनय करते हुए एक ही फिल्म के अंदर नज़र आने वाले हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होगी जिससे जिसके लिए फैंस एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि इनका कोई फिल्म रिलीज हो ताकि यूट्यूब पर लोग देखें लेकिन यूटूब पर आने से पहले ये फिल्म आपको सीधे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको बताया सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ही इस फिल्म को टी चैनलों पर रिलीज किया जाएगा और टी चैनल के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरबाली दुबे की मानी जाती है सबसे बेहतरीन जोड़ी में से एक जिन्हें हर फिल्म में ऑडियंस एक साथ देखना चाहती है और ये और यही वजह है कि उनकी जोड़ी जब भी जो है दर्शकों के बीच आती है तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है दोनों को निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी देसी लुक में काफी पसंद की जाती है और वही फिल्मों में उनके बीच घटते तमाम जो है नाटकीय और इसके अलावा घटनाक्रम से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट भी होता है ऐसे में दिनेशलाल यादव निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी में बनी मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर अभी चल रहा है जिसे फैंस यूट्यूब पर बहुत जल्द फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन ये फिल्म आपको यूरोप पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय के बाद ये फिल्म यूरोप पर रिलीज होगा लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमाघरों में छठ पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा उसके बाद ये फिल्म टीवी चैनलों पे प्रीमियर होगा और उसके बाद एंडिंग में जाकर इस फिल्म को यूरोप पे रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती है हर एक मूवीज़ के साथ क्योंकि जो भी नई फिल्म आती है उसको पहले जो है यूट्यूब पर नहीं रखा जाता है कुछ समय लगते हैं कुछ समय बिताने पड़ते हैं तभी जाकर यूट्यूब पर फिल्म को अपलोड किया जाता है तो ये है रियलाइटी भोजपुरी फिल्मों का यूट्यूब पर आना तो जो भी लोग यूट्यूब पर फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी इसके लिए आप लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों एक और फिल्म की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म देवरंजनू को लेकर प्रदीप सिंह का कहना है प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में और इसकी स्टोरी इसके चौहान इसके स्कोरी एस इस के चौहान ने अपने राइटिंग में लिखा है जिन्होंने कई जो है ट्विस्ट क्रिएट किए हैं इस फिल्म के अंदर वही दोस्तों फिल्म देवरान जेठानी टू का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इसमें अंजना सिंह और संचिता बनर्जी को एक दूसरे से उलझते हुए दिखाया गया है अंजना सिंह और संचिता बनर्जी जो है एक दूसरे उलझती हुई नजर आ रही है वहीं दोनों के पति गौरव झा और देव सिंह एक दूसरे को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं देवराज जेठानी का पहला पार्ट दर्शकों ने बेहद पसंद किया था फिल्म को मिली बम्पर सक्सेस के बाद मेकर प्रदीप सिंह ने फिल्म का सीक्वल का ऐलान कर दिया था उसी वक्त वहीं अब देवरान जिठानी भी जल्द ही रिलीज होने जा रही है और आपको बता दें इसके पहले पार्ट को अजय कुमार झा ने डायरेक्ट किया था वहीं फिल्म को प्रदीप सिंह के साथ अपर हुआ मेरेटिया उनके अलावा मोनिका सिंह और फिर जो है प्रतीक सिंह ने प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म में आपको बता दें मेकर के फिल्म में मेकर के मुताबिक ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया हुआ है मेकर के मुताबिक जैसे ही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को पूरा आनंद आएगा फिल्म को देखने में और इसके फैमिली के सभी जो है इसके और इसको फैमिली के सभी जो है पे मेम्बर एक साथ बैठ देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी अश्लीलता सीन देखने को नहीं मिलने वाली है वही फिल्म देवरान जठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म की स्टोरी एस के चौहान ने लिखा है जिन्होंने कई ट्विस्ट क्रिएट किए हैं स्टोरी में और ये फिल्म के पहले पार्ट से काफी अलग होगा और अलग अंदाज में पेश की जाएगी इस मूवी के अंदर कहानी और फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तरक देखने को मिलने वाला है इसी के साथ बता दें वर्ल्ड वाइड दे प्रोडक्शन के बैनर की तलेब बनी इस फिल्म में मुन्ना दुबे ने संगीत दिया है वही गीत प्यारेलाल यादव द्वारा तैयार किया है और फिर मुन्ना दुबे और जो है शेखर मधुर ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने को सीनेटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो मनोज सिंह की है और कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी जी ने इस फिल्म के लिए तैयार किया है इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है यश कुमार स्टारर इस, इस फिल्म में एक बार फिर से जो है रक्षा गुप्ता उनके अलावा कई सारे स्टारकास्ट लेड रोल में नजर आने वाले हैं लेकिन खास तौर पर रक्षा गुप्ता लेड रोल में होंगी इनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों में बेहद पसंद किया जाता है वही आपको बता दें सुजीत वर्मा निर्देशित की गई इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल दोस्तों सामने नहीं आई हुई है भोजपुरी स्क्रीन में आपको बता दें भोजपुरी स्क्रीन के यहाँ पे यूनिक एक्शन स्टार यश कुमार जल्द ही भोजपुरी फिल्म यहाँ पिक्रूक क्षेत्र में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ है और इसमें यश कुमार के यश कुमार साउथ जो फिल्मों के हीरो जैसे ही लुक में नजर आने वाले हैं जो कि यश कुमार एंटरटेनमेंट और फिर जो है निधि मिश्रा निर्मित की गई फिल्म जो कुरुक्षेत्र के निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है फिल्म में बता दें नाम के अनुसार ही एक कॉम्प्लीट एक्शन का जोर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म कुरुक्षेत्र को लेकर यश कुमार ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक बेहद आकर्षक होने वाला है जो कि फिल्म इससे भी मजेदार होगा और रोमांचक वाली कहानी होगी वही आपको बता दे अधर्म के खिलाफ जिस तरह से धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह जीवन के इस की ये कहानी है और और फिर फिल्म फिल्म फिर की कहानी के बारे में अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ये फिल्म दर्शकों का हर मायने में मनोरंजन करेगी फिल्म के डायरेक्टर ने बताया फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है और उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें बेहद जो है मजा आने वाली है फिल्म को देखते समय फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो सुजीत वर्मा ने भी फिल्म को लेकर अपना जो उत्साह दिखाया है और कहा कि यश कुमार की खूबसूरत फिल्मों की श्रृंखला में ये एक और फिल्म है और ये फिल्म समाज और परिवार के बीच की कहानी को दर्शाने वाली है और फिल्म के गाने और संवाद दर्शकों के दिलों को छूने वाली है और हमारी फिल्म की सभी कास्ट इसको लेकर यहाँ पे अशांति बनाए हुए कि दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद खूब इसमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के हीरो यश कुमार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्म फिल्म को को क्योंकि दोस्तों यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है जो कि इस फिल्म में यश कुमार और रक्षा गुप्ता के साथ प्राची सिंह और सोनल त्रिवेदी उनके अलावा सृष्टि मिश्रा और फिर सुशील सिंह देव सिंह उनके अलावा रिया सिन्हा फिल्म में दिखाई देंगे कोई भी बता दे सुमोद सेठ उनके अलावा बलेश्वर सिंह और राधे मिश्रा उनके अलावा धनंजय सिंह भी दिखाई देंगे जो कि बिलास से उनके अलावा योग्यता पांडे और फिर यादरेंद्र फिल्म के अंदर यादरेंद्र यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं फिल्म के लेखक राकेश त्रिपाठी जी का है गीतकार धर्म हिंदुस्तानी जी और शेखर मदोर जी का है संगीत के बारे में हम बात कर करें तो साधन मिश्रा का है जो है जहांगीर सैयद का देखने को मिलेगा वहीं पे एक्स के बारे में हम बात करें तो एक्शन से खड़का जी का है क्योंकि कोरियोग्राफर परवीन सेलार और दिलीप मिश्र है क्योंकि कार्यकार निर्माता सुरेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है तो दोस्तों ये थी इस मूवीज की और रिपोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया यश कुमार की एक और लेटेस्ट फिल्म का नाम जो है कुरूप छेत्रा होने वाला है इसमें आपको बेहतरीन कहानी और साथ ही साथ दोस्तों जबरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि यशी फिल्म के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया जा रहा है खुद इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया यश कुमार ने ही और खुद एक्टिंग भी इस फिल्म के अंदर किया है तो दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यश कुमार ने कुछ बड़ा सोच के रखा है क्योंकि इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया है तो इनको पता होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई कर सकता है भोजपुरी के सिनेमा घरों के अंदर तो दोस्तों भोजपुरी दर्शक जितने भी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और निरहुआ की फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फिल्म छठ के मौके पर रिलीज होगी और दोस्तों यही खबर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दे सकता हूँ मैं भी आप लोग को इस मूवीज़ को यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ और वैसे भी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो कुछ समय इंतज़ार करना होगा ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में आएगी उसके बाद ही आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको बेहद ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलेगा असली से कोसुद और फिल्म को बनाया गया है अमरपाली दुबे और काजर राघवानी एक साथ पहली बार इस फिल्म में दिखाई दे रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ी और साथ ही साथ निरहुआ का तरगा इसमें देखने को मिलेगा तो फिल्म फिल्म भी एक बेहतरीन कहानी को लेकर आएगी तो दर्शक अगर आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज़ होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सके तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पर तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निराह हुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद लाल यादव निरउआ और अम्रपाले दुबे और साथ ही साथ काजल राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दें दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दें वह एक ही घर में दो बीबी यानी कि अम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच फंस जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दें इतना मजेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल राघवानी की टिग्री में आपको बता दें काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दें कि माँ के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में में फिल्म अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात है यह है कि फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमा घरों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी दिनेश यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और काजरानी के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वहीं इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेशलाल यादव की निरहुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक है वो इस फिल्म को अभी से ही यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूट्यूब पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमरपाली के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यहाँ दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नज़र आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर से यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को पहले देखिए ताकि आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगा इस फिल्म में अमरपाली दुबे और काजल राघवानी लीड एक्टर्स के तौर पर काम करते हुए नजर आ रही है शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिलने वाली है दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे थे मगर इस फिल्म में वह एक ही घर में दो बीबी और अम्रपाली दुबे और काजर रघवानी के बीच फंस कर सैंडविच बनाते हुए नज़र आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजर रघवानी की टिक्री में काफ़ी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब ये कि मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी यहाँ पे प्रांसुल और उनके अलावा जैमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोषिया जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है के साथ दोस्तों आपको बता दें गौरतलब करने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी जिसलाल यादव की निरहुआ और अमर दुबे और काजल रखवान के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है और इस फिल्म के निर्माता जयंत भोजी है जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया है बता दें कि गोवर्धन मेरे हसबैंड की शादी ये फिल्म निरहुआ के साथ इन्होंने बनाई है और इनके सहित जो कई जो है बड़े फिल्मों के निर्माण भी करके प्रवीण कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और वह हमेशा बड़ी और पारिवारिक फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं जिसे संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म के संगीतकार ओम झा गीतकार प्यारेलाल यादव और कवि अरविंद तिवारी जी विनय निर्मल द्वारा बनाया गया है फिल्म की पटकथा मंजूर ठाकुर और फिर जो है अरविंद तिवारी का है कथानक के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कथा और शनवाद जो है अरविंद तिवारी ने लिखा है फिल्म का छंकन के बारे में हम बात करें तो छैंकन सरफराज खान और फिर जो संकलन जो है संतोष हरावड और उनके अलावा अम्बारधारी श्रेष्ठ नृत्य कानू जी ने संभाला है कला के बारे में हम बात करें तो कला महेंद्र पार्श्व संगीत और उनके अलावा असलम जो है का है पोस्ट प्रोडक्शन के काम के बारे में हम बात करें का तो पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य ऑडियो लेब और उनके बी एफ जो है सोनू मदेशिया ने तैयार किया है और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल अरविंद यादव और फिर जो है फिल्म जो है प्रचारक यहाँ पे रामचंद्र यादव जी का है इस फिल्म में कलाकार दिनेशलाल यादव निरहुआ और अम्रपली दुबे और फिर काजल रघवानी संजय पांडे किरण यादव और फिर उनके अलावा भानु पांडे प्रेम दुबे और रंभा सहानी आदि इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाली है तो दोस्तों ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक के डायलॉग से देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार में निरा नजर आ रहे हैं उनके अलावा अमरपाली दुबे और काझा रघवानी का इसमें तिरका देखने को मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमरपाली दुबे और काजा रघवानी एक साथ अभिनय करते हुए एक ही फिल्म के अंदर नजर आने वाले हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होगी जिससे जिसके लिए फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इनका कोई फिल्म रिलीज़ हो ताकि यूट्यूब पर लोग देखें लेकिन यूट्यूब पर आने से पहले ये फिल्म आपको सीधे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता बताया सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद ही इस फिल्म को टी वी चैनलों पर रिलीज किया जाएगा और टी वी चैनल के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी सिनेमा के सुपरहिट जोड़ी दिनेशलाल यादव निरहुआ और अमरबाली दुबे की मानी जाती है सबसे बेहतरीन जोड़ी में से एक जिन्हें हर फिल्म में ऑडियंस एक साथ देखना चाहती है और ये और यही वजह है कि उनकी जोड़ी जब भी जो है दर्शकों के बीच आती है तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है दोनों को निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी देसी लुक में काफी पसंद की जाती है और वही फिल्मों में उनके बीच घटते तमाम जो है नाटकीय और इसके अलावा घटनाक्रम से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट भी होता है ऐसे में दिनेश दल यादव निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी में बनी मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर अभी चल रहा है जिसे फैंस यूट्यूब पर बहुत जल्द फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन ये फिल्म आपको यूरोप पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगा लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमाघरों में छठ पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा उसके बाद ये फिल्म टीवी चैनलों पर प्रीमियर होगा और उसके बाद एंडिंग में जाकर इस फिल्म को यूरोप पे रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती है हर एक मूवीज़ के साथ क्योंकि जो भी नई फिल्म आती है उसको पहले जो है यूटूब पर नहीं रखा जाता है कुछ समय लगते हैं कुछ समय बिताने पड़ते हैं तभी जाकर कर पर फिल्म को अपलोड किया जाता है तो ये है रियली भोजपुरी फिल्मों का यूटूब पर आना तो जो भी लोग यूट्यूब पर फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी इसके लिए आप लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों एक और फिल्म की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म देवराज जेठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का कहना है प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में और इसकी स्टोरी इसके चौहान इसके स्टोरी इसके चौहान ने अपने राइटिंग में लिखा है जिन्होंने कई जो है ट्विस्ट क्रिएट किए हैं इस फिल्म के अंदर वही दोस्तों फिल्म देवरान जेठानी टू का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इसमें अंजना सिंह और संचिता बनर्जी को एक दूसरे से उलसते हुए दिखाया गया है अंजना सिंह और बनर्जी जो है एक दूसरे हुई नजर आ रही है। वही के ने पसंद किया था। फिल्म को मिली बम्पर सक्सेस के बाद मेकर प्रदीप सिंह ने फिल्म का सीक्वल का ऐलान कर दिया था उसी वक्त वही अब देवराज जेठानी भी जल्द ही रिलीज होने जा रही है और आपको बता दें इसके पहले पार्ट को अजय कुमार झा ने डायरेक्ट किया था वहीं फिल्म को प्रदीप सिंह के साथ अपर हुआ मेरेटिया उनके अलावा मोनिका सिंह और फिर जो है प्रतीक सिंह ने प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म में आपको बता दें मेकर के फिल्म में मेकर के मुताबिक ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया हुआ है मेकर के मुताबिक जैसे ही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को पूरा आनंद आएगा फिल्म को देखने में और इसके फैमिली के सभी जो है इसके और इसको फैमिली के सभी जो है यहाँ पे मेंबर एक साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी अश्लीलता सीन देखने को नहीं मिलने वाली है वही फिल्म देवरान जेठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म की स्टोरी एस के चौहान ने लिखा है जिन्होंने कई ट्विस्ट क्रिएट किए हैं स्टोरी में और ये फिल्म के पहले पार्ट से काफी अलग होगा और अलग अंदाज में पेश की जाएगी इस मूवी के अंदर कहानी और फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तरक़ा देखने को मिलने वाला है इसी के साथ बता दें वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के बैनर की तलेब बनी इस फिल्म में मुन्ना दुबे ने संगीत दिया है वहीं गीत प्यारे लाल यादव द्वारा तैयार किया है और फिर मुन्ना दुबे और जो है शेख और ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने को सीनेटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो मनोज सिंह की है और कोरियोग्राफी कानूब मुखर्जी जी ने इस फिल्म के लिए तैयार किया है इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है यश कुमार होंगी इनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों में बेहद पसंद किया जाता है वही आपको बता सुजीत वर्मा निर्देशित की गई इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल दोस्तों सामने नहीं आई हुई है भोजपुरी स्क्रीन में आपको बता दें भोजपुरी स्क्रीन के यहाँ पे यूनिक एक्शन स्टार यश कुमार जल्द ही भोजपुरी फिल्म कुरुक्त में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ है और इसमें यश कुमार के हीरो जैसे ही लुक में नजर आने वाले हैं जो कि यश कुमार एंटरटेनमेंट और फिर जो हिंदी थी मिश्रा निर्मित की गई फिल्म जो कुरुक्षेत्र के निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है फिल्म में बता दें नाम के अनुसार ही एक कंप्लीट एक्शन का जोर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म कुरुक्षेत्र को लेकर यश कुमार ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक बेहद आकर्षक होने वाला है जो कि फिल्म इससे भी मजेदार होगा और रोमांचक वाली कहानी होगी वही आपको बता दें अधर्म के खिलाफ जिस तरह से धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह जीवन के इस कुरुक्षेत्र की ये कहानी है और फिल्म फिल, और फिर फिल्म की कहानी के बारे में अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ये फिल्म दर्शकों का हर मायने में मनोरंजन करेगी फिल्म के डायरेक्टर ने बताया फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है और उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें बेहद जो है मजा आने वाली है फिल्म को देखते समय फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो सुजीत वर्मा ने भी फिल्म को लेकर अपना जो उत्साह दिखाया है और कहा कि यश कुमार की खूबसूरत फिल्मों की श्रृंखला में ये एक और फिल्म है और ये फिल्म समाज और परिवार के बीच की कहानी को दर्शाने वाली है और फिल्म के गाने और संवाद दर्शकों के दिलों को छूने वाली है और हमारी फिल्म की सभी कास्टें इसको लेकर यहाँ पे अशांति बनाए हुए कि दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद खूब इसमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के हीरो यश कुमार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्म को क्योंकि दोस्तों फिल्म को यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है जो कि इस फिल्म में यश कुमार और रक्षा गुप्ता के साथ प्राची सिंह और सोनल त्रिवेदी उनके सृष्टि मिश्रा और फिर सुशील सिंह देव सिंह उनके अलावा से सिन्हा फिल्म में दिखाई देंगे कोई भी बता दे सुमोद सेठ उनके अलावा बलेश्वर सिंह और राधे मिश्रा उनके अलावा धनंजय सिंह भी दिखाई देंगे जो कि बिलास उनके अलावा योग्यता पांडे और फिर यादरेंद्र फिल्म के अंदर यह यहा यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं फिल्म के लेखक राकेश त्रिपाठी जी का है गीतकार धर्म हिंदुस्तानी जी और शेखर मधोर जी का है संगीत के बारे में हम बात कर लेते तो साधन मिश्रा का है जो है जो जहांगीर सैयद का देखने को मिलेगा वहीं पे एक्स के बारे में हम बात कर तो एक्शन सुपरदीप खड़का जी का है क्योंकि कोरियोग्राफर परवीन सेलार और दिलीप मिश्र जी का है क्योंकि कार्यकार निर्माता सुरेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है तो दोस्तों ये थी इस मूवीज़ की और रिपोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया यश कुमार की एक और लेटेस्ट फिल्म का नाम जो है कुरुक्षेत्रा होने वाला है इसमें आपको बेहतरीन कहानी और साथ ही साथ दोस्तों ज़बरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि यश ही फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया जा रहा है खुद इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया यश कुमार ने ही और खुद एक्टिंग भी इस फिल्म के अंदर किया है तो दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यश कुमार ने कुछ बड़ा सोच कर रखा है क्योंकि इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया है तो इनको पता होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई कर सकता है भोजपुरी के सिनेमा घरों के अंदर तो दोस्तों भोजपुरी दर्शक जितने भी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और निरहुआ की फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फिल्म छठ के मौके पर रिलीज होगी और दोस्तों यही खबर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दे सकता हूँ मैं भी आप लोग को इस मूवीज को यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ और वैसे भी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो कुछ समय इंतज़ार करना होगा ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में आएगी उसके बाद ही आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको बेहद ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलेगा असली से तो कोशुद और फिल्म को बनाया गया है अमरपाली दुबे और काजर रागवानी एक साथ पहली बार इस फिल्म में दिखाई दे रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ी और साथ ही साथ निरुआ का तरगा इसमें देखने को मिलेगा तो फिल्म फिल्म भी एक बेहतरीन कहानी को लेकर आएगी तो दर्शक अगर आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेकिन दोस्तों मैंने यूटूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सके तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पे तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निरहुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे और साथ ही साथ काजर राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डी आर जे रिकॉर्ड से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दे लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दे वह एक ही घर में दो बीबी यानी कि अमर दुबे और काजल राघवानी के बीच फंस जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दें इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अमृतपाली और काजल राघवानी की टिग्री में आपको बता दें काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दें कि माँ के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात है यह है कि ये फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमा घरों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी नरसलाल यादव निरहुआ और अम्रपली दुबे और काजल वानी के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वहीं इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव की निरगुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक हैं वो इस फिल्म को अभी से ही यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूट्यूब पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमर पालिक के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यह दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नजर आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डीआरची रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को पहले देखिए ताकि आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगा इस फिल्म में अम्रपाली दुबे और काजल राघवानी लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करते हुए नजर आ रही है शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिलने वाली है लाल यादव निरहुआ अक्सर फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे थे मगर इस फिल्म में वह एक ही घर में दो बीबी और अम्रपाली दुबे और काजल रखवानी के बीच फंस कर सैंडविच बनाते हुए नज़र आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल रखवानी की टिकरी में काफ़ी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है वह भी इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब यह है की मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरो में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी यहाँ पे प्रांसुल और उनके अलावा जैमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोष गोजिया जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है इसके साथ दोस्तों आपको बता दें गौरतलब करने वाली बात यह है की प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी जैसल यादव की निरहुआ और अमरपालित दुबे और काजल रखवानी के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है और इस फिल्म के निर्माता जयंत घोषे हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया है बता दें कि गोवर्धन मेरे हस्बैंड की शादी ये फिल्म निरहुआ के साथ इन्होंने बनाई है और इनके सही जुड़े कई जो है बड़े फिल्मों के निर्माण भी करके प्रवीण कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योग्य दे रहे हैं और वह हमेशा बड़ी और पारिवारिक फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं जिसे संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म के संगीतकार ओम झा गीतकार प्यारेलाल यादव और कवि अरविंद तिवारी जी विनय निर्मल द्वारा बनाया गया है फिल्म की पदकथा मंजूर ठाकुर और फिर जो है अरविंद तिवारी का है कथानक के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कथा और सन्मान जो है अरविंद तिवारी ने लिखा है फिल्म का छैकन के बारे में हम बात करें तो छंकन सरफराज खान और फिर जो है संकलन जो है संतोष हरावड और उनके अलावा अलावाधारसरी श्रेष्ठ नृत्य कानू जी ने संभाला है कला के बारे में हम बात करें तो कला महेंद्र पार्श्व संगीत और उनके ला असलम जो है सूर्दी का है पोस्ट प्रोडक्शन के काम के बारे में हम बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य ऑडियो लेब और उनके बी एफ जो है सोनू मदेशिया ने तैयार किया है और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल अरविंद यादव और फिर जो है फिल्म जो है प्रचारक यहाँ पे रामचंद्र यादव जी का है इस फिल्म में कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और फिर काजा रघवाली संजय पांडे किरण यादव और फिर उनके अलावा भानु पांडे प्रेम दुबे और रंभा सहानी आदि इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाली है है तो दोस्तों ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक के डायलॉग से देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार में निरुण नजर आ रहे हैं उनके अलावा अम्रपाली दुबे और काजा रघवाली का इसमें तिरका देखने को मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमर पाली दुबे और काजर राघवानी एक साथ अभिनय करते हुए एक ही फिल्म के अंदर नज़र आने वाले हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होगी जिससे जिसके लिए फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इनका कोई फिल्म रिलीज़ हो ताकि यूट्यूब पर लोग देखें लेकिन यूट्यूब पर आने से पहले ये फिल्म आपको सीधे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको बताया सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ही इस फिल्म को टी वी चैनलों पर रिलीज किया जाएगा और टी वी चैनल के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी सिनेमा के सुपरहिट जोड़ी दिनेशलाल यादव निरहुआ और अमरबाली दुबे की मानी जाती है सबसे बेहतरीन जोड़ी में से एक जिन्हें हर फिल्म में ऑडियंस एक साथ देखना चाहती है और ये और यही वजह है कि उनकी जोड़ी जब भी जो है दर्शकों के बीच आती है तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है दोनों को निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी देसी लुक में काफी पसंद की जाती है और वही फिल्मों में उनके बीच घटते तमाम जो है नाटकीय और इसकेला घटना घटनाक्रम से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट भी होता है ऐसे में दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी में बनी मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर अभी चल रहा है जिसे फैंस यूट्यूब पर बहुत जल्द फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन ये फिल्म आपको यूरोप पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय के बाद ही ये फिल्म यूरोप पर रिलीज होगा लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमाघरों में छठ पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा उसके बाद ये फिल्म टी चैनलों पर प्रीमियर होगा और उसके बाद एंडिंग में जाकर इस फिल्म को यूरोप पर रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती है हर एक मूवीज़ के साथ क्योंकि जो भी नई फिल्म आती है उसको पहले जो है यूट्यूब पे नहीं रखा जाता है कुछ समय लगते हैं कुछ समय बिताने पड़ते हैं तभी जाकर यूट्यूब पर फिल्म को अपलोड किया जाता है तो ये है रियलिटी भोजपुरी फिल्मों का यूट्यूब पर आना तो जो भी लोग यूट्यूब पर फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी इसके लिए आप लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों एक और फिल्म की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म देवरान जटू को लेकर प्रदीप सिंह का कहना है प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में और इसकी स्टोरी इसके चौहान इसके स्टोरी एस के चौहान ने अपने राइटिंग में लिखा है जिन्होंने कई जो है ट्विस्ट क्रिएट किए हैं इस फिल्म के अंदर वही दोस्तों फिल्म देवरा जेठानी टू का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इसमें अंजना सिंह और संचिता बनर्जी को एक दूसरे से उलझते हुए दिखाया गया है अंजना सिंह और संचिता बनर्जी जो है एक दूसरे उलझती हुई नजर आ रही है वहीं दोनों के पति गौरव झा और देव सिंह एक दूसरे को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं देवराज जेठानी का पहला पार्ट दर्शकों ने बेहद पसंद किया था फिल्म को मिली बम्पर सक्सेस के बाद मेकर प्रदीप सिंह ने फिल्म का सीक्वल का ऐलान कर दिया था उसी वक्त वहीं अब देवरान जिठानी भी जल्द ही रिलीज होने जा रही है और आपको बता दें इसके पहले पार्ट को अजय कुमार झा ने डायरेक्ट किया था वहीं फिल्म को प्रदीप सिंह के साथ अपर हुआ उनके अलावा मोनिका सिंह और फिर जो है प्रतीक सिंह ने प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म में आपको बता दें मेकर के फिल्म में मेकर के मुताबिक ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया हुआ है मेकर के मुताबिक जैसे ही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को पूरा आनंद आएगा फिल्म को देखने में और इसके फैमिली के सभी जो है इसके और इसको फैमिली के सभी जो है यहाँ पे मेम्बर एक साथ बैठ देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी अश्लीलता सीन देखने को नहीं मिलने वाली है वही फिल्म देवरान जेठनी टू को लेकर प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म की स्टोरी एस के चौहान ने लिखा है जिन्होंने कई ट्विस्ट क्रिएट किए हैं स्टोरी में और ये फिल्म के पहले पार्ट से काफी अलग होगा और अलग अंदाज में पेश की जाएगी इस मूवी के अंदर कहानी और फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तरक देखने को मिलने वाला है इसी के साथ बता दें वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के बैनर की तले बनी इस फिल्म में मुन्ना दुबे ने संगीत दिया है वहीं गीत प्यारेलाल यादव द्वारा तैयार किया है और फिर मुन्ना दुबे और जो है शेखर मधुर ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने को सीनेटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो मनोज सिंह की है और कोरियोग्राफी कानूब मुखर्जी जी ने इस फिल्म के लिए तैयार किया है इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है यश कुमार स्टारर इस, इस फिल्म में एक बार फिर से जो रक्षा गुप्ता उनके अलावा कई सारे स्टारकास्ट लेड रोल में नजर आने वाले हैं लेकिन खास तौर पर रक्षा गुप्ता लेड रोल में होंगी इनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों में बेहद पसंद किया जाता है वही आपको बता दे असुजीत वर्मा निर्देशित की गई इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल दोस्तों सामने नहीं आई हुई है भोजपुरी स्क्रीन में आपको बता दे भोजपुरी स्क्रीन के यहाँ पे यूनिक एक्शन स्टार यश कुमार जल्द ही भोजपुरी फिल्म यहाँ प्यूप क्षेत्र में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ है और इसमें यश कुमार के यश कुमार साउथ जो फिल्मों के हीरो जैसे ही लोग में नजर आने वाले हैं जो कि यश कुमार एंटरटेनमेंट और फिर जो मिश्रा निर्मित की गई फिल्म कुरुक्षेत्र के निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है फिल्म में बता दे नाम के अनुसार ही एक कॉम्प्लीट एक्शन का जोर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म कुरुक्षेत्र को लेकर यश कुमार ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक बेहद आकर्षक होने वाला है जो कि फिल्म इससे भी मजेदार होगा और रोमांचक वाली कहानी होगी वही आपको बता दें अधर्म के खिलाफ जिस तरह से धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह जीवन के इस कुरूप क्षेत्र की ये कहानी है और फिर फिल, और फिर फिल्म की कहानी के बारे में अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ये फिल्म दर्शकों का हर मायने में मनोरंजन करेगी फिल्म के डायरेक्टर ने बताया फिल्म में सभी होगी तो सुजीत वर्मा ने भी फिल्म को लेकर अपना जो उत्साह दिखाया है और कहा कि यश कुमार की खूबसूरत फिल्मों की श्रृंखला में ये एक और फिल्म है और ये फिल्म समाज और परिवार के बीच की कहानी को दर्शाने वाली है और फिल्म के गाने और संवाद दर्शकों के दिलों को छूने वाली है और हमारी फिल्म की सभी कास्ट इसको लेकर यहाँ पे अशांति बनाए हुए कि दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद खूब इसमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के हीरो यश कुमार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्म को क्योंकि दोस्तों फिल्म को यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है जो कि इस फिल्म में यश कुमार और रक्षा गुप्ता के साथ प्राची सिंह और सोनल त्रिवेदी उनके सृष्टि मिश्रा और फिर सुशील सिंह देव सिंह उनके अलावा से सिन्या फिल्म में दिखाई देंगे कोई भी बता दे सुमोदेठ उनके अलावा बलेश्वर सिंह और राधे मिश्रा उनके अलावा धनंजय सिंह भी दिखाई देंगे जो कि बिलास से उनके अलावा योग्या पांडे और फिर यादरेंद्र फिल्म के अंदर यादरेंद्र यादव या मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं फिल्म के लेखक राकेश त्रिपाठी जी का है गीतकार धर्म हिंदुस्तानी जी और शेखर मधोर जी का है संगीत के बारे में हम बात करें तो साधन मिश्रा का है जो है जहांगीर सैयद का देखने को मिलेगा वहीं पे एक्स रसन के बारे में हम बात करें तो एक्शन प्रदीप खड़का जी का है क्योंकि कोरियोग्राफर परवीन सेलार और दिलीप मिश्र जी का है क्योंकि कार्यकार निर्माता सुरेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है तो दोस्तों ये थी इस मूवीज की और रिपोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया यश कुमार की एक और लेटेस्ट फिल्म का नाम जो है कुरुप्षेत्रा होने वाला है इसमें आपको बेहतरीन कहानी और साथ ही साथ दोस्तों जबरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि कि यशी फिल्म के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया जा रहा है खुद इन्होंने ही फिल्म को प्रोड्यूस किया यश कुमार ने ही और खुद एक्टिंग भी इस फिल्म के अंदर किया है तो दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यश कुमार ने कुछ बड़ा सोच कर रखा है क्योंकि इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया है तो इनको पता होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई कर सकता है भोजपुरी के सिनेमा घरों के अंदर तो दोस्तों भोजपुरी दर्शक जितने भी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और निरहुआ की फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फिल्म छठ के मौके पर रिलीज होगी और दोस्तों यही खबर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दे सकता हूँ मैं भी आप लोग को इस मूवीज़ को यहाँ पर अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ और वैसे भी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो कुछ समय इंतज़ार करना होगा ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में आएगी उसके बाद ही आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको बेहद ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलेगा असली से तो कोशुद और फिल्म को बनाया गया है अमरपाली दुबे और काजर रागवानी एक साथ पहली बार इस फिल्म में दिखाई दे रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ी और साथ ही साथ निरवा का तड़का इसमें देखने को मिलेगा तो फिल्म फिल्म भी एक बेहतरीन कहानी को लेकर आएगी तो दर्शक अगर आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सके तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पर तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निरहुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे और साथ ही साथ काजर राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है डी आर जे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दें दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दें वह एक ही घर में दो बीबी यानी की अम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच फंस जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दें इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल राघवानी की टिग्री में आपको बता दें काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दें कि माँ के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात है यह है कि ये फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी निरसलाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और काजल वानी के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वही इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव की निरगुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक हैं वो इस फिल्म को अभी से ही यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूट्यूब पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमर पालिक के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यह दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नज़र आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेशलाल यादव निरवा की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डी आरची रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को पहले देखिए ताकि आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगा इस फिल्म में दुबे और लीड के तौर काम करते हुए नजर आ रही है शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिलने वाली है दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे थे मगर इस फिल्म में वो एक ही घर में दो बेबी और अम्रपाली दुबे और काजल रखवानी के बीच फंस कर सैंडविच बनाते हुए नज़र आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल रखवानी की टिकरी में काफ़ी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है वह भी इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब यही कि मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी यहाँ पे परसुल और उनके अलावा जैमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोषिया जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें गौरतलब करने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी जैसल यादव की निरहुआ और अमरपाली दुबे और काजल रखवानी के से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है और इस फिल्म के निर्माता जयंत घोषे हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया है बता दें कि गोवर्धन मेरे हसबेंड की शादी ये फिल्म निरहुआ के साथ इन्होंने बनाई है और इनके सहित जो कई जो है बड़े फिल्मों के निर्माण भी करके प्रवीण कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योग्य दे रहे हैं और वह हमेशा बड़ी और पारिवारिक फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं जिसे संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म के संगीतकार ओम झा गीतकार प्यारेलाल यादव और कभी अरविंद तिवारी जी विनय निर्मल द्वारा बनाया गया है फिल्म की पदकथा मंजूर ठाकुर और फिर जो है अरविंद तिवारी का है कथानक के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कथा और सन्मा जो है अरविंद तिवारी ने लिखा है फिल्म का छैकन के बारे में हम बात करें तो छैंकन सरफराज खान और फिर जो है संकलन जो है संतोष हरावड और उनके अलावा धारसरी श्रेष्ठ नृत्य कानू जी ने संभाला है कला के बारे में हम बात करें तो कला महेंद्र पार्श्व संगीत और उनके ला असलम जय सूर्दी का है पोस्ट प्रोडक्शन के काम के बारे में हम बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य ऑडियो लेब और उनकेला बी जो है सोनू मदेसिया ने तैयार किया है और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल अरविंद यादव और फिर जो है फिल्म जो है प्रचारक यहाँ पे रामचंद्र यादव जी का है इस फिल्म में कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और फिर काजा रघवाली संजय पांडे किरण यादव और फिर उनके अलावा भानु पांडे प्रेम दुबे और रंभा सहानी आदि इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाली है तो दोस्तों ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक के डायलॉग से देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार में निरुआ नजर आ रहे हैं उनके अलावा अम्रपाली दुबे और काजा रघवाली का इसमें तिरका देखने को मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमर पाली दुबे और काजर राघवानी एक साथ अभिनय करते हुए एक ही फिल्म के अंदर नज़र आने वाले हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होगी जिससे जिसके लिए फैंस एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि इनका कोई फिल्म रिलीज़ हो ताकि यूट्यूब पर लोग देखें लेकिन यूट्यूब पर आने से पहले ये फिल्म आपको सीधे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको बताया सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ही इस फिल्म को टीवी चैनलों पर रिलीज किया जाएगा और टीवी चैनल के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी सिनेमा के सुपरहिट जोड़ी दिनेशलाल यादव निरहुआ और अमरबाली दुबे की मानी जाती है सबसे बेहतरीन जोड़ी में से एक जिन्हें हर फिल्म में ऑडियंस एक साथ देखना चाहती है और ये और यही वजह है कि उनकी जोड़ी जब भी जो है दर्शकों के बीच आती है तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है दोनों को निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी देसी लुक में काफी पसंद की जाती है और वही फिल्मों में उनके बीच घटते तमाम जो है नाटकीय और इसके अलावा घटनाक्रम से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट भी होता है ऐसे में दिनेश दल यादव निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी में बनी मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर अभी चल रहा है जिसे फैंस यूट्यूब पर बहुत जल्द फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन ये फिल्म आपको यूरोप पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय के बाद ही ये फिल्म यूरोप पर रिलीज होगा लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमाघरों में छठ पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा उसके बाद ये फिल्म टी चैनलों पर प्रीमियर होगा और उसके बाद एंडिंग में जाकर इस फिल्म को यूरोप पर रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती है हर एक मूवीज़ के साथ क्योंकि जो भी नई फिल्म आती है उसको पहले जो है यूट्यूब पे नहीं रखा जाता है कुछ समय लगते हैं कुछ समय बिताने पड़ते हैं तभी जाकर यूट्यूब पर फिल्म को अपलोड किया जाता है तो ये है रियलाइटी भोजपुरी फिल्मों का यूट्यूब पर आना तो जो भी लोग यूट्यूब पर फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी इसके लिए आप लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों एक और फिल्म की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म देवरान जटू को लेकर प्रदीप सिंह का कहना है प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में और इसकी स्टोरी इसके चौहान एस के स्टोरी एस के चौहान ने अपने राइटिंग में लिखा है जिन्होंने कई जो है ट्विस्ट क्रिएट किए हैं इस फिल्म के अंदर वही दोस्तों फिल्म देवराज जेठानी टू का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इसमें अंजना सिंह और संचिता बनर्जी को एक दूसरे से उलझते हुए दिखाया गया है अंजना सिंह और संचिता बनर्जी जो है एक दूसरे उलझती हुई नजर आ रही है वहीं दोनों के पति गौरव झा और देव सिंह एक दूसरे को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं देवराज जेठानी का पहला पार्ट दर्शकों ने बेहद पसंद किया था फिल्म को मिली बम्पर सक्सेस के बाद मेकर प्रदीप सिंह ने फिल्म का सीक्वल का ऐलान कर दिया था उसी वक्त वहीं अब देवरान जिठानी भी जल्द ही रिलीज होने जा रही है और आपको बता दें इसके पहले पार्ट को अजय कुमार झा ने डायरेक्ट किया था वही फिल्म को प्रदीप सिंह के साथ अपर मेडिटिया उनके अलावा मोनिका सिंह और फिर जो है प्रतीक सिंह ने प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म में आपको बता दें मेकर के फिल्म में मेकर के मुताबिक ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया हुआ है मेकर के मुताबिक जैसे ही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को पूरा आनंद आएगा फिल्म को देखने में और इसके फैमिली के सभी जो है इसके और इसको फैमिली के सभी जो है पे मेम्बर एक साथ बैठ देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी अश्लीलता सीन देखने को नहीं मिलने वाली है वही फिल्म देवरान जेठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म की एस के चौहान ने लिखा है जिन्होंने कई ट्विस्ट क्रिएट किए हैं स्टोरी में और ये फिल्म के पहले पार्ट से काफी अलग होगा और अलग अंदाज में पेश की जाएगी इस मूवी के अंदर कहानी और फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तरक देखने को मिलने वाला है इसी के साथ बता दें वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के बैनर की तलेब बनी इस फिल्म में मुन्ना दुबे ने संगीत दिया है वहीं गीत प्यारेलाल यादव द्वारा तैयार किया है और फिर मुन्ना दुबे और जो है शेख मधुर ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने को सिनेटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो मनोज सिंह की है और कोरियोग्राफी कानूब मुखर्जी जी ने इस फिल्म के लिए तैयार किया है इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है यश कुमार स्टारर इस फिल्म में एक बार फिर से जो है रक्षा गुप्ता उनके अलावा कई सारे स्टारकास्ट लेड रोल में नजर आने वाले हैं लेकिन खास तौर पर रक्षा गुप्ता लेड रोल में होंगी इनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों में बेहद पसंद किया जाता है वही आपको बता दे वर्मा निर्देशित की गई इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल दोस्तों सामने नहीं आई हुई है भोजपुरी स्क्रीन में आपको बता दे भोजपुरी स्क्रीन के यहाँ पे यूनिक एक्शन स्टार यश कुमार जल्द ही भोजपुरी फिल्म यहाँ पे क्षेत्र में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ है और इसमें यश कुमार के यश कुमार साउथ जो, जो फिल्मों के हीरो जैसे ही लुक में नजर आने वाले हैं जो कि यश कुमार एंटरटेनमेंट और फिर जो जो मिश्रा निर्मित की, की फिल्म कुरुक्षेत्र के निर्देशक के सुजीत वर्मा जी ने किया है फिल्म में बता दें नाम के अनुसार ही एक कॉम्प्लीट एक्शन का जोर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म कुरुक्षेत्र को लेकर यश कुमार ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक बेहद आकर्षक होने वाला है जो कि फिल्म इससे भी मजेदार होगा और रोमांचक वाली कहानी होगी वही आपको बता दें अधर्म के खिलाफ जिस तरह से धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह जीवन के इस कुरुक्षेत्र की ये कहानी है और फिल्म और फिर फिल्म की कहानी के बारे में अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ये फिल्म दर्शकों का हर मायने में मनोरंजन करेगी फिल्म के डायरेक्टर ने बताया फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है और उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें बेहद जो है मजा आने वाली है फिल्म फिल्म को देखते समय फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो सुजीत वर्मा ने भी फिल्म को लेकर अपना जो उत्साह दिखाया है और कहा कि यश कुमार की खूबसूरत फिल्मों की श्रृंखला में ये एक और फिल्म है और ये फिल्म समाज और परिवार के बीच की कहानी को दर्शाने वाली है और फिल्म के गाने और संवाद दर्शकों के दिलों को छूने वाली है और हमारी फिल्म की सभी कास्ट इसको लेकर यहाँ पे अशांति बनाए हुए कि दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद खूब इसमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के हीरो यश कुमार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्म को क्योंकि दोस्तों फिल्म को यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है जो कि इस फिल्म में यश कुमार और रक्षा गुप्ता के साथ प्राची सिंह और सुनल त्रिवेदी उनके सृष्टि मिश्रा और फिर सुशील सिंह देव सिंह उनके अलावा से सिन्हानिया फिल्म में दिखाई देंगे कोई भी बता दे सुमोद उनके बलेश्वर सिंह और राधे मिश्रा उनके अलावा धनंजय सिंह भी दिखाई देंगे जो कि बिलास से उनके अलावा योग्यता पांडे और फिर यादरेंद्र फिल्म के अंदर यादरेंद्र यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं फिल्म के लेखक राकेश त्रिपाठी जी का है गीतकार धर्म हिंदुस्तानी जी और शेखर मधोर जी का है संगीत के बारे में हम बात करें तो साधन मिश्रा का है जो है जहांगीर सैयद का देखने को मिलेगा वहीं पे एक्स रसन के बारे में हम बात करें तो एक्शन सुपरदीप खड़का जी का है क्योंकि कोरियोग्राफर परवीन सेलार और दिलीप मिश्र जी का है क्योंकि कार्यकार निर्माता सुरेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है तो दोस्तों ये थी इस मूवीज की और रिपोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया यश कुमार की एक और लेटेस्ट फिल्म का नाम जो है कुरुक्षेत्रा होने वाला है इसमें आपको बेहतरीन कहानी और साथ ही साथ दोस्तों जबरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि यशी फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया जा रहा है ख़ुद इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया यश कुमार ने ही और ख़ुद एक्टिंग भी इस फ़िल्म के अंदर किया है तो दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यश कुमार ने कुछ बड़ा सोच के रखा है क्योंकि इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया है तो इनको पता होगा कि ये फ़िल्म कितनी कमाई कर सकता है भोजपुरी के घरों के अंदर तो दोस्तों भोजपुरी दर्शक जितने भी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और निरहुआ की फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फिल्म छठ के मौके पर रिलीज होगी और दोस्तों यही खबर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दे सकता हूँ मैं भी आप लोग को इस मूवीज़ को यहाँ पर अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ और वैसे भी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो कुछ समय इंतज़ार करना होगा ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में आएगी उसके बाद ही आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको बेहद ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलेगा असली तज़ तो कोसुद और फिल्म को बनाया गया है अमरपाली दुबे और काजर रागवानी एक साथ पहली बार इस फिल्म में दिखाई दे रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ी और साथ ही साथ का तरगा इसमें देखने को मिलेगा तो फिल्म फिल्म भी एक बेहतरीन कहानी को लेकर आएगी तो दर्शक अगर आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज़ के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सके तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पे तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निरहुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे और साथ ही साथ काजर राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है ट्रेलर डी आर जे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दे दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दे वह एक ही घर में दो बीबी यानी कि अमर पारी दुबे और काजल राघवानी के बीच फंसकर जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दें इतना मजेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल राघवानी की टिग्री में आपको बता दे काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दें कि माँ के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात है, यह है कि ये फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमा घरों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी निरसल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे और काजर अगवानी के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वही इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव की निरहुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक हैं वो इस फिल्म को अभी से ही यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूरोप पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोज को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमर पाले के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यह दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नजर आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डी आरचे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है

बीबी और अम्रपाली दुबे और काजल रखवानी के बीच फंसकर सैंडविच बनाते हुए नज़र आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल रखवानी की टिकरी में काफ़ी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है वह भी इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब यही कि मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी यहाँ पे प्रांसुल और उनके अलावा जैमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोषिया जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग इस मूवीज के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे कि मूवी कब रिलीज होगी कब आएगी तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा और एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और दर्शकों तक बताया जाए कि ये फिल्म कब तक यूट्यूब पर आएगा ताकि आप सभी लोग इस फिल्म को आराम से यूट्यूब पर देख सके तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक ज़रूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर्स के तौर पर तीन कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में आपको निरहुआ उनके अलावा अमरपाली और काजर राघवानी एक साथ में और एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों नजर आने वाले हैं मेरी हस्बैंड की शादी है मूवीज में भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और यहाँ पे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाले दुबे और साथ ही साथ काजल राघवानी के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का टेलर डी आर जे रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिल रही है वही आपको बता दें दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर जो है फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीवी के चक्कर में हमेशा काम करते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर जो है फंसते थे चक्कर में फंस जाते थे मगर इसमें आपको बता दे वह एक ही घर में दो बीबी यानी कि अम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच फंसकर जो है यहाँ पे सैंडविच बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दे इतना मजेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी वहीं बता दे फिल्म के हीरो निरहुआ और अम्रपाली और काजल राघवानी की टिग्री में आपको बता दे काफी जो है यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है साथ ही बता दें कि मां के किरदार उनके अलावा किरण यादव ने एकदम ठेठ देहाती लुक में फिल्म में फिल्म अभिनय करते हुए दिखाया है गौरतलब करने वाली बात है यह है कि ये फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारत के सिनेमा घरों में एक साथ प्रदर्शन की जाएगी जो कि आपको बता दें जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया है जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी दिनेशलाल यादव निरहुआ और अम्रपली दुबे और काजरानी के अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस फिल्म को फिल्माया गया है और वहीं इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो जयंत घोष जी हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म बागी का निर्माण किया था और फिर उसके बाद दिनेशलाल यादव की निरुआ के साथ ऐतिहासिक फिल्म जो है गोवर्धन का निर्माण किया हुआ है और अब ये तीसरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का निर्माण उन्होंने किया है जिसमें आपको जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है और भोजपुरी जितने भी दर्शक है वो इस फिल्म को अभी से ही यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म यूट्यूब पर तो देखने को मिलता नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है जो कि बिना काम का वीडियो आपको यूट्यूब पर सिर्फ देखने को मिलता है वही भी दोस्तों फिल्म के हीरो दिनेश लाल यादव का नाम अक्सर जो है असल जिंदगी में भी अमरपाली के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में चक्कर जरूर है यहाँ दोस्तों बता दें कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों ने प्राइवेट मैरिज भी कर लिया है और इस बीच इस कबल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको बताते हुए घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में बुरे फंसे हुए हैं फिल्म का टाइटल मेरे हस्बैंड की शादी है और इसमें काजल राघवानी भी अहम किरदार में नज़र आने वाली है भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है का ट्रेलर डीआरची रिकॉर्ड से यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर को नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को पहले देखिए ताकि आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगा इस फिल्म में अम्रपली दुबे और काजल रागवानी लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करते हुए नजर आ रही है शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म जिसमें बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपको देखने को मिलने वाली है दिनेश लाल यादव निरऊआ अक्सर फिल्मों में एक घर वाली और एक बाहर वाली बीबी के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे थे मगर इस फिल्म में वह एक ही घर में दो बीबी और अम्रपाली दुबे और काजर रगवानी के बीच फंस सैंडविच बनाते हुए नज़र आए हुए हैं तस्वीरों में जब इस फिल्म का ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो पूरी फिल्म बहुत ही दिलचस्प होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन फिल्म के हीरो निरुआ और अम्रपाली और काजर रघवानी की टिक्री में काफ़ी ट्विस्ट देखने को ही मिलेगा जो कि साथ ही माँ के किरदार में किरण यादव ने जमकर इसमें अभिनय किया है वह बे इस फिल्म के गाने भी भोजपुरी माटी और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को बता दे भरपूर प्यार मिलने वाली है गौरतलब यही कि मेरे हस्बैंड की शादी छठ पूजा के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष के सिनेमाघरों में रिलीज होगा बताया गया है जो एक साथ प्रदर्शित की जाएगी छठ पूजा भी इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में फिल्म जो है वितरक और निर्माण परवीन कुमार की कंपनी यहाँ पे प्रांसुल और उनके अलावा जैमिक जो है मोमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा अगर बात करें इस फिल्म की मार्केटिंग के बारे में तो मनोज ओझा जी कंपनी मेक और फिल्म इंडिया कर रही है फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो है जयंत घोषिया जिन्होंने कई सारी फिल्मों को पहले भी बनाया है इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें गौरतलब करने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले बनी जैसल यादव की निरहुआ और अमर दुबे और काजल के 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 अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश आजमगढ़ विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है और इस फिल्म के निर्माता जयंत घोषे हैं जिन्होंने इसके पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया है बता दें कि गोवर्धन मेरे हस्बैंड की शादी ये फिल्म निरहुआ के साथ इन्होंने बनाई है और इनके सहित जो कई जो है बड़े फिल्मों के निर्माण भी करके प्रवीण कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और वह हमेशा बड़ी और पारिवारिक फिल्म का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं जिसे संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर फिल्म को देख सकते हैं इस फिल्म के संगीतकार ओम झा गीतकार प्यारेलाल यादव और कवि अरविंद तिवारी जी विनय निर्मल द्वारा बनाया गया है फिल्म की पदकथा मंजूर ठाकुर और फिर जो है अरविंद तिवारी का है कथानक के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कथा और शनवा जो है अरविंद तिवारी ने लिखा है फिल्म का छंकन के बारे में हम बात करें तो छैंकन सरफराज खान और फिर जो है संकलन जो संतोष हरावड और उनके अलावा मारधारी श्रेष्ठ नृत्य कानू जी ने संभाला है कला के बारे में हम बात करें तो कला महेंद्र पार्श्व संगीत और उनके अलावा असलम जो है का है पोस्ट प्रोडक्शन के काम के बारे में हम बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य ऑडियो लेब और उनके बी एफ जो है सोनू मदेसिया ने तैयार किया है और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल अरविंद यादव और फिर जो है फिल्म जो है प्रचारक यहाँ पे रामचंद्र यादव जी का है इस फिल्म में कलाकार दिलेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपली दुबे और फिर काजल रखबारी संजय पांडे किरण यादव और फिर उनके अलावा भानु पांडे प्रेम दुबे और रंभा सहानी आदि इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाली है तो दोस्तों ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक के डायलॉग से देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार में निगम नज़र आ रहे हैं उनके अलावा अमरपाली दुबे और काजा रघवानी का इसमें तिरका देखने को मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमरपाली दुबे और काजा रघवानी एक साथ अभिनय करते हुए एक ही फिल्म के अंदर नजर आने वाले हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी बेहतरीन होगी जिससे जिसके लिए फ़ैन्स एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि इनका कोई फिल्म रिलीज़ हो ताकि यूट्यूब पर लोग देखें लेकिन यूट्यूब पर आने से पहले ये फिल्म आपको सीधे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद ही इस फिल्म को टीवी चैनलों पर रिलीज़ किया जाएगा और टी चैनल के बाद ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज़ होगी इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी सिनेमा के सुपरहिट जोड़ी दिनेशलाल यादव निरहुआ और अमरबाली दुबे की मानी जाती है सबसे बेहतरीन जोड़ी में से एक जिन्हें हर फिल्म में ऑडियंस एक साथ देखना चाहती है और ये और यही वजह है कि उनकी जोड़ी जब भी जो है दर्शकों के बीच आती है तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है दोनों को निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी देसी लुक में काफी पसंद की जाती है और वही फिल्मों में उनके बीच घटते तमाम जो है नाटकीय और इसके अलावा घटनाक्रम से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट भी होता है ऐसे में दिनेश दल यादव निरहुआ और अम्रपाली की जोड़ी में बनी मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर अभी चल रहा है जिसे फैंस यूट्यूब पर बहुत जल्द फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन ये फिल्म आपको यूरोप पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय के बाद ही ये फिल्म यूरोप पर रिलीज होगा लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये फिल्म सबसे पहले सिनेमाघरों में छठ पूजा के अवसर पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा उसके बाद ये फिल्म टीवी चैनलों पर प्रीमियर होगा और उसके बाद एंडिंग में जाकर इस फिल्म को यूरोप पे रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती है हर एक मूवीज़ के साथ क्योंकि जो भी नई फिल्म आती है उसको पहले जो है यूट्यूब पर नहीं रखा जाता है कुछ समय लगते हैं कुछ समय बिताने पड़ते हैं तभी जाकर कर यूट्यूब पर फिल्म को अपलोड किया जाता है तो ये है रियलाइटी भोजपुरी फिल्मों का यूटूब पर आना तो जो भी लोग यूट्यूब पर फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी इसके लिए आप लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों एक और फिल्म की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म देवराय जेठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का कहना है प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में और इसकी स्टोरी एस के चौहान इसके स्टोरी एस के चौहान ने अपने राइटिंग में लिखा है जिन्होंने कई जो है ट्विस्ट क्रिएट किए हैं इस फिल्म के अंदर वही दोस्तों फिल्म देवराज जेठानी टू का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इसमें अंजना सिंह और संचिता बनर्जी को एक दूसरे से उलझते हुए दिखाया गया है अंजना सिंह और संचिता बनर्जी जो एक दूसरे हुई आ रही है वही दोनों के और देव एक दूसरे को समझते हुए फिल्म को मिली बम्पर सक्सेस के बाद मेकर प्रदीप सिंह ने फिल्म का सीक्वल का ऐलान कर दिया था उसी वक्त वही अब देवराज जेठानी भी जल्द ही रिलीज होने जा रही है और आपको बता दें इसके पहले पार्ट को अजय कुमार जहाँ ने डायरेक्ट किया था वही फिल्म को प्रदीप सिंह के साथ अपर हुआ मेरेटिया उनके अलावा मोनिका सिंह और फिर जो है प्रतीक सिंह ने प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म में आपको बता दें मेकर के फिल्म में मेकर के मुताबिक ये एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें सभी एक्टर ने बेहतरीन काम किया हुआ है मेकर के मुताबिक जैसे ही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को पूरा आनंद आएगा फिल्म को देखने में और इसके फैमिली के सभी जो है इसके और इसको फैमिली के सभी जो है पे मेंबर एक साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई भी अश्लीलता सीन देखने को नहीं मिलने वाली है वही फिल्म देवरान जेठानी टू को लेकर प्रदीप सिंह का दावा है कि ये फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और इफेक्ट भी क्रिएट करेगी दर्शकों में साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म की स्टोरी एस के चौहान ने लिखा है जिन्होंने कई ट्विस्ट क्रिएट किए हैं स्टोरी में और ये फिल्म के पहले पार्ट से काफी अलग होगा और अलग अंदाज में पेश की जाएगी इस मूवी के अंदर कहानी और फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का भी तरक देखने को मिलने वाला है इसी के साथ बता दें वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के बैनर की तलेब बनी इस फिल्म में मुन्ना दुबे ने संगीत दिया है वहीं गीत प्यारे लाल यादव द्वारा तैयार किया है और फिर मुन्ना दुबे और जो है शेखर मधुर ने लिखे हैं इस फिल्म के गाने को सीनेटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो मनोज सिंह की है और कोरियोग्राफी कानूब मुखर्जी जी ने इस फिल्म के लिए तैयार किया है इसी के साथ दोस्तों भोजपुरी की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है यश कुमार स्टारर इस, इस फिल्म में में एक बार फिर से रक्षा गुप्ता उनके अलावा कई सारे स्टार रोल नजर आने वाले हैं लेकिन खास तौर पर रक्षा गुप्ता लेड रोल में होंगी इनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों में बेहद पसंद किया जाता है वही आपको बता दे सुजीत वर्मा निर्देशित की गई इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल दोस्तों सामने नहीं आई हुई है भोजपुरी स्क्रीन में आपको बता दें भोजपुरी स्क्रीन के यहाँ पे यूनिक एक्शन स्टार यश कुमार जल्द ही भोजपुरी फिल्म फिल्म पे क्षेत्र में नजर आने वाले हैं और इस का फर्स्ट लुक आउट हुआ है और इसमें यश कुमार सा, कुमार साउथ जो जो फिल्मों के हीरो जैसे ही लुक में नजर आने वाले हैं जो कि यश कुमार एंटरटेनमेंट और फिर जो हिंदी निधि मिश्रा निर्मित की गई फिल्म जो क्रुक क्षेत्र के निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है फिल्म में बता दें नाम के अनुसार ही एक कंप्लीट एक्शन का जोर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म कुरुक्षेत्र को लेकर यश कुमार ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक बेहद आकर्षक होने वाला है जो कि फिल्म इससे भी मजेदार होगा और रोमांचक वाली कहानी होगी वही आपको बता दें अधर्म के खिलाफ जिस तरह से धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह जीवन के इस कुरुक्षेत्र की ये कहानी है और फिल्म फिल, और फिर फिल्म की कहानी के बारे में अभी जिक्र करना सही नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ये फिल्म दर्शकों का हर मायने में मनोरंजन करेगी फिल्म के डायरेक्टर ने बताया फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है और उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें बेहद जो है मजा आने वाली है फिल्म को देखते समय फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो सुजीत वर्मा ने भी फिल्म को लेकर अपना जो उत्साह दिखाया है और कहा कि यश कुमार की खूबसूरत फिल्मों की श्रृंखला में ये एक और फिल्म है और ये फिल्म समाज और परिवार के बीच की कहानी को दर्शाने वाली है और फिल्म के गाने और संवाद दर्शकों के दिलों को छूने वाली है और हमारी फिल्म की सभी कास्टें इसको लेकर यहाँ पे अशांति बनाए हुए कि दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद खूब इसमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के हीरो यश कुमार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्म को क्योंकि दोस्तों फिल्म को यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है जो कि इस फिल्म में यश कुमार और रक्षा गुप्ता के साथ प्राची सिंह और सोनल त्रिवेदी उनके सृष्टि मिश्रा और फिर सुशील सिंह देव सिंह उनके अलावा रयांश सिन्हा फिल्म में दिखाई देंगे कोई भी बता दे सुमोद सेठ उनके अलावा बलेश्वर सिंह और राधे मिश्रा उनके अलावा धनंजय सिंह भी दिखाई देंगे जो कि बिलास उनके अलावा योग्यता पांडे और फिर यादरेंद्र फिल्म के अंदर या यहा यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं फिल्म के लेखक राकेश त्रिपाठी जी का है गीतकार धर्म हिंदुस्तानी जी और शेखर मदोर जी का है संगीत के बारे में हम बात कर तो मिश्रा का है जो है जहांगीर सैयद का देखने को मिलेगा वहीं पे एक्स के बारे में हम बात करें तो एक्शन सुपरदीप खड़का जी का है क्योंकि कोरियोग्राफर परवीन सलार और दिलीप मिश्र जी का है क्योंकि कार्यकार निर्माता सुरेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है तो दोस्तों ये थी इस मूवीज़ की और रिपोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया यश कुमार की एक और लेटेस्ट फिल्म का नाम जो है क्रूप छेत्रा होने वाला है इसमें आपको बेहतरीन कहानी और साथ ही साथ दोस्तों जबरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि यशी फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को बनाया जा रहा है खुद इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया यश कुमार ने ही और खुद एक्टिंग भी इस फिल्म के अंदर किया है तो दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यश कुमार ने कुछ बड़ा सोच के रखा है क्योंकि इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया है तो इनको पता होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई कर सकता है भोजपुरी की सिनेमा घरों के अंदर तो दोस्तों भोजपुरी दर्शक जितने भी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और निरहुआ की फिल्म मेरे हस्बैंड की शादी है को देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये फिल्म छठ के मौके पर रिलीज होगी और दोस्तों यही खबर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दे सकता हूँ मैं भी आप लोग को इस मूवीज़ को यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ और वैसे भी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो कुछ समय इंतज़ार करना होगा ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में आएगी उसके बाद ही आपको ये फिल्म देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको बेहद ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलेगा असली तर्ज तो कोसुद और फिल्म को बनाया गया है अमरपाली दुबे और काजर रागवानी एक साथ पहली बार इस फिल्म में दिखाई दे रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ी और साथ ही साथ निरहुआ का तरगा इसमें देखने को मिलेगा तो फिल्म फिल्म भी एक बेहतरीन कहानी को लेकर आएगी तो दर्शक अगर आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मेरे हस्बैंड की शादी है फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो फैंस उम्मीद करता हूँ आज का एक्सप्लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एन सी यू सोन